जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमें डिस्कस करिए आरआई आई मीन मॉक टेस्ट 6। ओके स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन होची सॉर्ट्स एंड इंडिसेस रो। बहुत थर ये क्वेश्चन रिपीट होची डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन ने, से रेलवे हो, एसएससी हो। यदि तुम्हें देखिबो 7 टू द पावर 81, 82, 83 ताले हमें 7 टू द पावर 81 को कॉमन नहीं जीवा। भितर केत रहा 7 टू दि पावर 0, तापर केत रहा 7 टू दि पावर 1, 7 टू दि पावर 2। अरे हो कि ना। अच्छा 7 टू दि पावर 81 तो आज इट इज रहा, 7 टू दि पावर 0 वैल्यू केते होला 1, 7 टू दि पावर 1 वैल्यू 7, 7 नो स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 प्लस 7 57, ता माने सही नंबर डिविजिबल हम जोटा 57 मल्टीपल थी, कहीं 7 टू दि पावर 81 मल्टीपल बहुत बाहर आम से बाहर करें कि 57 को खोजिपर, तो 57 मल्टीपल किए हम। तुम्हें जी टे अप्सन गुड़ा देख, प्राय अप्सन गुड़ा 350 प्लस अच्छे, ताने जी 57 में 7 मल्टीप्लाई करा, मुझे 57 ना 50 मानिक चलु, यदि 50 इंटू 7 350 तेज़ 352 अधिक ही थी किसी गोटे, तो मुझे 57 को एज्यूम करके मल्टीप्लाई कर 7 ने, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 7 35 प्लस 4 39 एंड ऑप्शंस भितर जब देखियो 399 गोटे जगह अच्छे। क्लियर? एमती क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर पार, मे भी छोटो नंबर दे पारे 7 टू दि पावर 81 जगह 3 टू दि पावर 4 प्लस 3 टू दि पावर 5 प्लस 3 टू दि पावर 6 एमती करी करी 3 टू दि पावर 9 जाए क्वेश्चन दे पारे, तो से अप्रोच रही जी। क्लियर? बुझिपार जावाग। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन देची लेट एक्स बी द 4 डिजिट नंबर, गोटे लिस्ट 4 डिजिट नंबर अच्छे, गोटे छोटो 4 डिजिट नंबर अच्छे, जिते बड़े तुम्हें डिवाइड कर 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिवस ए रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस, प्रत्येक थर रिमाइंडर रहा 1 इन ईच केस, ताल मत कह कि 2800 रु 300 भितर से नंबर थरी जाइए, से नंबर वैल्यू के एक्स, मत तुम्हें कह व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, तुमने एक्स रितक जहाँ डिजिट अच्छे सम कले के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मे बी आर आई न आस पारे कि भल क्वेश्चन है, भल क्वेश्चन तो टी भल से शुण। अच्छा भाई टी जी देखा 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोटा जी आप डिजिट रो एलसीएम कले के आसो केमी, चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलसीएम मैंने समस्त गोटे मिनिम मैक्सिमम टा ही नहीं जीवा, 2 स्क्वायर 3 थरे जीवा, 5 थरे जीवा, 7, 4, 5, 20, 7 इंटू 3, 21, 21 इंटू 20, 420 डन। बुझिपार एलसीएम केमती है, अरे बाबा समस्त मैक्सिमम टा ही जीवन ना, मैक्सिमम पावर टा ही जीवन, तो मैक्सिमम पावर ही तो नहीं, बुझिपार तुम एलसीएम के 420। क्लियर? एबे मते गोटे कथा कह 2800 रु 3000 भितर 420 मल्टीपल किए थी, जदि केमी काल्कुलेशन करार अच्छे 20 को लुचे दिव अच्छे के 400 रे के मल्टीप्लाई कले 2800 पर जीवन सर, जदि आम अन एन आवरेज देखा 7 400 इंटू 7 2800 तो 420 अच्छे, तो मैंने 2800 प्लस ही जीव, तो जब आम 7 मल्टीप्लाई करा 7 × 14 = 28 = 2340, ता माने 2800 रु 3000 भितर गोटे ही नंबर अच्छे 2940 जोटा यही सब 6टा जाक नंबर द्वारा डिवाइड हो जाबो। क्लियर? किंतु हमर डिवाइड होबार नहीं, हमर रिमाइंडर 1 रखियार अच्छे, तो रिमाइंडर 1 इन ईच केस ता माने मोर संख्याटा हम 2941 हम एक्स, तो मैंने एक्स रैल्यूटा के 2941 कि मतलब 2941 पचारे से मतलब पचार चारिटा जाक डिजिटर सम के। अच्छा जी कहीं देखो ना व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, तो जी चारिटा जाक नंबर सम पचार 9 + 1 = 10, 4 + 2 = 6, 10 + 6 = 16, बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन टा भल क्वेश्चन टा। ओके ओडिशा सीजीएल तुम आपको एक्सपेक्ट कर पार, ओडिशा सीएचएसएल एक्सपेक्ट कर पार, आर आई न आस पारे जदि भी आसा छोटिया संख्यार दब। हाँ बहुत फेवरेट क्वेश्चन एस एस सी सीजीएल गोटे टाइम थी 2022-23 पूरा रिपीट कर सबुथे क्वेश्चन को रिपीट कर। अच्छा ये क्वेश्चन को करिया को वैरायटीज मेथड अच्छे, वैरायटीज मेथड अच्छे, तुम्हें फर्स्ट 2001 नहीं जीव डिवाइडेड बाय 4 और 3 डिवाइड हो तो 3 + 2001 - 4 - 2001 - 12 - 2001 3 × 5 = 15 माइनस ये गोटे तुम मेथड जोटा तुम जान मुझा विषय में कहवाक चाहूँ, मुझे गोटे अलग स्टाइल तुम कर बुझिपाल ये मेथड समस्त जान आपको सल्व कर तीन ने कतरा संख्या कतरा संख्या मिसाई मिसाई तुम आंसर बाहर करा, मुझे तुमको कहूँ आउ गोटे मेथड आम ट्राए करा है। अच्छा पे कौन क्वेश्चन टाइम देखिए 1 रु 2001 भितर तुम्हें मत के नंबर अच्छी कह जोटा
थ्री और फोर तीन द्वारा किंबा चार द्वारा डिविजिबल हम कि फाइव द्वारा डिविजिबल हम नहीं क्लियर। अच्छा भाई मत गोटे कथा कहल केतटा नंबर अच्छी जोटा फाइव द्वारा डिविजिबल हम केतटा नंबर अच्छी जोटा फाइव द्वारा डिविजिबल हम 2000 डिवाइडेड बाय फाइव सर वन कहीं लिखल वन डिविजिबल हम कि 2001 के भी फाइव डिविजिबल हम कि कहीं लिखी क्लियर। अच्छा मत कह एमती केतटा नंबर अच्छी जोटा नॉट डिविजिबल बाय थ्री फोर फाइव तीन द्वारा चार द्वारा पाँच द्वारा क्या द्वारा डिविजिबल हम सर टोटल नंबर केतटा 2000 नंबर ता मैंने जोटा थ्री द्वारा डिविजिबल हम मैंने प्रत्येक तीन टा नंबर दुईटा नंबर एमती थी जोटा थ्री द्वारा डिविजिबल हम। अरे भाई फॉर एग्जांपल वन टू थ्री आंक भितर केतटा नंबर थ्री द्वारा डिविजिबल हम बुझिपाल तुम ये लिखिली टू बाई थ्री केतटा नंबर अच्छे जो फोर द्वारा डिविजिबल हम प्रत्येक चारिटा संख्या तीन टा संख्या डिविजिबल हम केतटा नंबर फाइव द्वारा डिविजिबल जब पांचटा संख्या अच्छे चार संख्या फाइव डिविजिबल हम देन फोर बै फाइव। अरे भाई बुझिपाल कि नहीं चल मैं गोटे एक्जामपल दे बुझे दूसरी धर मु कह फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन एटा तो फाइव डिविजिबल होगा सिक्स सेवेन एट नाइन टेन केतर संख्या पांचटा संख्यार केतटा संख्या फाइव डिविजिबल हम एक दुई तीन चार एटा तो हूँ ना तो प्रत्येक पांचटा संख्यार चारिटा संख्या डिविजिबल हमें सेमती फोर द्वारा केतटा डिविजिबल हम प्रत्येक चार्टा संख्यार तीनटा संख्या हमें सेमती थ्री द्वारा तीनटा संख्यार दुटा संख्या से तुम लिखी ओके ना पांच कोड़े कोड़े तीन षाठी। अच्छा एमती गोटे कम करना थ्री थ्री काट दि फोर फोर काट दि फाइव आपको कैनसल आउट कले चार इंटु दुई आठश मानते आठशहटा संख्या अच्छी ना से थ्री द्वारा ना से फोर द्वारा ना से फाइव द्वारा डिविजिबल हम मानते कंबाइन थ्री फोर फोर फाइव थ्री फाइव फोर फाइव सब कम्बेसन से सब प्रकार कम्बेसन अच्छी मानते थ्री फोर फोर फाइव थ्री फाइव सब प्रकार कम्बेसन जब देखिए आठशहटा संख्या अच्छे जोटा डिजिबल है चारिशहटा एमती संख्या अच्छी जोटा फाइव द्वारा डिजिबल है मो पाखे पे टोटाल के संख्या अच्छी दुई हजार हाँ से माइनस कर दियो 400 कहीं मैंने फाइव द्वारा डिविजिबल होती मत तो यहाँ नट दरकार अच्छे ना एतिकटा संख्या फाइव डिवाइड हे मोर एटा दरकार ही नहीं तो माइनस कर दियो आउ एतिको संख्या थ्री फोर फाइव द्वारा डिविजिबल होती ताकू भी माइनस कर दियो आठ चार बारश रु दुई हजार पड़े आठश ये एक अच्छे तो मैंने आंसर के आठश एक बहुत इजिली पाइज एंड कम समय भी मिल जाए तुमको बुझेली बोले टाइम लगे अदरवाइज ये टाइम लगे बुझिपा ना जदि डाउट हाँ आउ थे टे रिवाइंड करके देखी नब क्लीयर जीवाक एक्चुअली ये कम्बेसन कनसेप्ट लगे करा परमुटेसन कम्बेसन ओके ये तो बेसिक क्वेश्चन टा से कही दुईटा नंबर अच्छे एक्स आउ वाई सम कले 59 होता प्रडक्ट कले के 1150 मत पचार फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर तो दुईपटे स्क्वायर कर दियो तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू 59 स्क्वायर कौन भी नंबर 50 पाखापाखि अच्छे स्क्वायर कमी बाहर 50 रू के अधिका अच्छे 9 9 स्क्वायर 81 50 रू के अधिका अच्छे 9 तो 25 रे 9 मिसाई दियो 34 क्लियर कौन भी नंबर तो 50 पाखापाखि स्क्वायर एमती ही तो बाहर ना ओके। अच्छा पे टू एक्स वाई वैल्यू जानते ना हाँ सर मुझे कमी ना सर आम एक्स वाई वैल्यू जानते 1150 तो टू एक्स वाई के एगार दिगुण 2250 2300 ता मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कौन हम आ देहर कत 3481 माइनस 2300 तो क्यारि कले वन तो लास्ट वन गोटे जगार अच्छे ओवर आउ सल्व करेंगे तुम करें किसी इश्यू नहीं बट कहीं अनेसेसरी टाइम वेस्ट कर तो एट रू गले एट हम तो यहीटा ही आंसर हम ना तुम सब माइनस करदेव देखिए ये ही आंसर आसो 1181 अरे वन रू जीरो गले वन ही ना तो भाविवार कौन अच्छे क्लीयर जीवा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कौन दे गोटे नंबर अच्छी जिते से फाइव द्वारा डिवाइड होती रिमाइंडर के दुई सर नंबर के सर मुझे जानी तो नहीं जा सर आप मन इच्छा ना मन इच्छा नहीं कहीं सेवेन गोटे नंबर जोटा को फाइव डिवाइड कले के मत कंडीशन सैटिस्फाई कर सर आउ किसी ना हम हम बार नि आउ किसी नबनी 17 नि 22 नि 27 नि एमती किसी नंबर नब जो फाइव मल्टीपल प्लस टू थी मुझे छोटिया संख्या नहीं सेवेन तो मोर रिमाइंडर के कंडीशन सैटिस्फाइड से पचार व्हाट विल द रिमाइंडर तो रिमाइंडर केते हम इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5 7n एन आम के सात सतर सत गुण 49 को फाइव डिवाइड कले
5945 तो रिमाइंडर कहते हैं फोर बेसिक क्वेश्चन जो मैंने परीक्षा आगे किसी प्राक्ट कर मैंने आराम से कर देखे क्लीयर क्वेश्चन नंबर सिक्स को जीवा बढ़िया क्वेश्चन छ डिजिट नंबर अच्छे पे मैंने लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर के सिक्स डिजिट नंबर ना तो छटा न सी कही जिते बड़े लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर आपको द्वारा डिविजिबल हो फाइंड द सम ऑफ द डिजिट मैंने एमती गोटे लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर को जो 3456 द्वारा डिविजिबल पूरा पूरी हो नंबर पचारे से नंबर सम पचार अच्छा बाबा ये तो एमती नुहे कि ये डिवाइड हम आग तो बाहर कर ना एलसीएम के 3 2 र स्क्वायर 5 2 इंटु 3 तो जीव के 2 र स्क्वायर 5 3 5 20 20 3 60 ता माने ए नंबर को हमें 60 रे डिवाइड करिया जदि हमें 60 रे डिवाइड करिया सर डिवाइड तो हबो तमे 61 60 61 60 लास्ट केते पड़िबो 61 60 99 60 गले केते जो 39 ता माने जदि 39 ता मु ए रिस्पेक्टिव नंबर रो माइनस कर देबी सेटा 60 द्वारा आराम से डिविजिबल हो जीवो यस कि नो अच्छा भाई जदि सिक्स डिजिट नंबर जो अच्छी 6 से 39 माइनस कले के आसा से नंबर जोटा क्या द्वारा डिविजिबल हाँ 60 द्वारा डिविजिबल हाँ क्लीयर एवं जी 60 द्वारा यहाँ डिविजिबल हम से मतलब पचारूँ कि नंबर सम के अच्छा रिमाइंडर एक्सट्रा तो किसी रोनी तो सम के अच्छा जी सम आम देखा तो सब जगह नंबर को आड कर नौ छत्तीस छत्तीस छमिश राइट अच्छा बेले बेले मोर द्वारा टिकट किसी भूल हो जाए मैंने 42 हाँ कथ मुझ 48 टिक मार दे तो अवॉइड करो जदि है मतलब जनईदेव ना मुझे कमेंट सेक्शन देखुचे समस्त किसी इश्यू नहीं जी आगू क्लीयर क्वेश्चन नंबर 7 दुटा नंबर एच सी एफ देशियो दे 6:11 आ एच सी एफ के 28 मत पचार दुटा जाक नंबर रम के अच्छा पे ये जो 6 आउ 11 ये तो दुटा नंबर एच सी एफ मैंने कौन आर रि हाइएस्ट कमन फैक्टर कमन अच्छे मैंने 11 छ मिसले के 17 एच सी एफ मैंने 28 ये 28 दुटा जगह अच्छे तो 17 इंटू 28 कर दिव 17 126 तो मैंने यूनिट प्लेस छः यूनिट प्लेस छः गोटे जगह अच्छे 476 हो अरे बाबा बुझी पार्छ ना नहीं एच सी एफ मैंने कौन कह 6 × 28 ये गोटे नंबर आ गोटे नंबर हूँ कैसे 11 × 28 यहाँ हूँ एक्चुअल दुटा नंबर जेहेतु एच सी एफ कमन अच्छे कटि जाइए तो कटि जाइए बोली रेशियोटा के 6:11 किसी ना क्वेश्चन में ओके बुझिपार हाँ एमता क्वेश्चन आसूची है तो तुम एक्सपेक्ट कर आर आई एक्जाम रिजन कौन ना यहाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन अच्छे क्लियर टी देख ल ट्राए कल कौन अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट कर आग आपको कर बिकज मन अच्छे बड मास तो आग आम कौन कर अफ 8 × 5 = 40 तो मुझे लिखिपरि कि 20 / 40 × स्टार्ट सर आग आग भितर कौन हम 6 × 3 गला बिकज ये ब्राकेट भितर अच्छे 6 × 3 गला 3 × 6 = 18 कहीं ना सर नहीं 18 कमी हे 9 / 6 × 3 ये फर्माटे रहा तो सर आम काटिपर एम हाँ काटिपर माइनस आग सर आग कम तोटा तो कैसे हम 10 / 40 किसी भूल कल 0 0 तो 1/2 तो ये मुझे 1/2 लिखिदे इंटू 9/2 माइनस 1/4 तो मुझेपर कि 9/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 8/4 8/4 मैंने कैनसल आउट कले आंसर के एंटे क्वेश्चन आसो अरे बेसिक क्वेश्चन अच्छे आसो सीजेसएल आसाला अलरेडी सीजेएल भी आसाला ना सीजेएल नहीं सीजेसएल आसाला है तो एमता क्वेश्चन तुम्हें एक्सपेक्ट कर पार सीजेएल भी आई थिंक आसाला सीजेएल भी आसाला एथरक ओडिशा सीजेएल ओके ये तो अलजेब्रा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन अच्छा जान ना तुमको हैरान किए कर तुमको हैरान कर डेसिमल ये डेसिमल गुड़ा तुमको हैरान कर अदरवाइज तुम तो फर्मूला जान ऊपर कौन लिखाई ए क्यूब बी क्यूब ऊपर लिखाई ना तले कौन लिखाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बीटा तले लिखाई हाँ कि ना अच्छा पिला ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब रो फॉर्मूला कौन सर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हाँ कि नहीं जानचो और तले तो सर से अच्छे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो ये कटिगला ए प्लस बी मिसीज ए प्लस बी मिसीगला मैंने 775 225 मिसले के हजार
सर ताले आंसर हेगला तुम्हें जदि भावुच ये पॉइंट अच्छे आंसर तुम एबी हेबन कन्फ्यूज हो कौन कर तुम्हें जदि भाविल पॉइंट ना पूरा आखि बंद कर दियो पॉइंट अच्छी पॉइंट मैंने भूली जा पॉइंट ना अच्छी भूली जा पॉइंट ना जहाँ उपर सात पचस्तर तले से ही सात पचस्तर दुई पचीस अच्छे तेल आंसर के आसा हजार तुम्हें भी देखिल तले जो अच्छे ये गोटे पॉइंट ये गोटे पॉइंट तमें ये गोटे एंटिटी ये गोटे एंटिटी आए गोटे एंटिटी ताने जो ये प्रडक्ट हे ये दुटा गुणा हे ये दुटा गुणा हे ये दुटा गुणा हे तो मैंने पॉइंट पर दुटा डिजिट आस दुटा डिजिट को मतलब उड़ेबार अच्छे तेल मुझ कल उड़ीज सर इंटू हंड्रेड जब तले इंटू हंड्रेड करी तो ऊपर भी इंटू हंड्रेड करी तो इंटू हंड्रेड कले के अनेस्टली कहूँ के जिनस को क्रिटिकल करनी नर्माली कर दि लास्ट सल्व कर पॉइंट को आम लास्ट देखा मो कथा बुझीपचना सबुठी पॉइंट पर दुटा डिजिट आस लास्ट मुझे दुटा डिजिट को उड़ेबी पॉइंट पर दुटा डिजिट को मत जब कैनसल आउट करार अच्छे डिनोमिनेटर हंड्रेड न्यूमरेटर हंड्रेड इंटू कर दि आसीज क्लीयर आ देख बेसिक क्वेश्चन आम एमती ही भूल करूँ क्लीयर ए इज टू बी रेसीो के अच्छे टू इज टू फाइव सी इज टू बी पे ध्यान दि सी इज टू बी इज टू सी नुहे ए इज टू बी रेसीो टू इज टू फाइव बी इज टू सी रेसीो फोर इज टू थ्री तुमने पूरा पूरी क्लास कर शिखेजी टू इंटु फोर एट फाइव इंटु फोर ट्वेंटी सर आसीगल तो आठ कोड़े तीन आउ गए लास्ट स्टेप रहा पाँच तरी पंद्रह एट कले कर न कले नहीं बट आंसर इज रेडी सर एम क्वेश्चन आसो ओब्वियसली आर आई लास्ट इयर भी आस एआर आई भी आई हजार एक आर आई और दुई हजार बैस ए आर आई दुटा जगह एमटा क्वेश्चन देखा मिले क्लीयर तो एमटा क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप करें मे बी हो पाए से ए बी सी र न पचार कि एस टू सी पचारदेव कि ए बी सी डी जी थी एस टू डी रचारद तो से जिन को तुम स्किप कर बेसिक क्वेश्चन गुड़ा आर आई प्रिलिम्स पचारदेव कहीं अनलाइन होना तो भेरिटी सेट्रे हम सिफ्ट्रे तो पाखे एत सारा क्वेश्चन ना तो से भैल्यूज को भी बदलेंगे ओके तो से प्राय सब एग्जाम्स भैल्यू बदल अन एंड आवरेज सब थे क्वेश्चन सेम ही रोर भैल्यू केमती बाहर सर चौदह को चार गुणी दिं बी रैल्यू केमती बाहर चौदह को सात गुणी दिं सी रैल्यू केमती बाहर सात को चार गुणी दिं सर ए कैनसल आउट हम सतर कैनसल आउट हम सतरे काटले आठ सर आठ कौटे आसूचे ओके देखिया मैंने आप कटुचे सतरे काटले सात के सात सात चौ अठाई सतरे काटले फोर सर पुन टू रे कटो टू रे कटो फोर इज टू सेवेन केवे भी एमता टाइप क्वेश्चन थी आर भैल्यू बाहर करियर अच्छे आपको कनसीडर कर मैंने ए रोफिसीयंट को छाड़ दे बी आउ सी रोफिसीयंट बी रैल्यू बाहर कर बी रोफिसीयंट को छाड़ी ए आउ सी रोफिसीयंट सी रैल्यू बाहर कर सी रोफिसीयंट को न लेकर ए आउ बी रोफिसीयंट ताको सही जाए सल्व कर जो जाए मैंने रेसीो फर्माट में न आसेंगे रेसीो फर्माट मैंने फर्दर कटे सर क्वेश्चन आसी एआर आई आसी आसीस्टांट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर दुई हजार बैस एमटे क्वेश्चन आसी तो केवी तुम आपको नेग्लेक्ट करके जापर कि क्वेश्चन आसवन ओके पार्टनरशिप क्वेश्चन भल क्वेश्चन दीज अच्छे बिजनेस पार्टनर ए आउ बी ए के टाँग इनभेस्ट कर सर ए जो सांग अच्छे के नाइंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके ये हूँ ए आउ गोटे सांग अच्छे बी से के इनभेस्ट कर लक्षे बार हजार मीनस इलेवेन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सरी वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मत कही कि जदि दिजन भितर बी रेयर होती है ए रेयर के टोटाल प्रॉफिट जहाँ भी अच्छे टोटाल प्रॉफिट रू बी रेयर बी प्रॉफिट रेयर होती है नौ हजार तो ए प्रॉफिट रेयर केरम्भ करिए डबल जीरो पे पचीस काट लो पचीस तरी पचस्तरी आउ के क्यारी होगा सतर पाँच शहे पचस्तरी पचीस सत्ता पचीस चौ शहे पचीस पंचा शहे पचीस पे बी रेयर केस पैंचाश टाँग ए रेयर के मिले सैंतीस टाँग क्लीयर मो क्वेश्चन ने जानी कि बी प्रॉफिट रो शेयर होती है नौ हजार टाँग जदि पैंतालीस टाँटा नौ हजार टाँग के मल्टीप्लाय कर कोड़े जी बाबा तुम इटी कोड़े मल्टीप्लाय कर मल्टीप्लाय कर कोड़े टू सेवेन फोर्टीन तीन दुनि छः एक सात जीरो अच्छा पैंतालीस दुनि नब्बे शहे दुई सेंट हो सरी ये भी दुई सेंट हाला आंसर के सत हजार चार सौ अरे पार्टनरशिप कौन कैपिटल इंटू टाइम तो तुम्हें केते टंका पाइबो पार्टनरशिप इज नथिंग बट प्रॉफिट मो कथा बुझीपच ना नहीं पार्टनरशिप किसी ना प्रॉफिट तो तुम्हें प्रॉफिटा क्या पर डिपेंड कर केते कैपिटल आते समय पर लगे क्लीयर बस सरला सेयर जो अनुसार से इन्वेस्ट करते हैं अनुसार से प्रॉफिट ने बी जी इतनी टाइम प्रॉफिट नौ ये टाइम प्रॉफिट ना इन भी पचारि पे ए बी प्रॉफिट कैसे पारे दीटा को मिसाई दिए सात चार मैंने सात आ नौ षोल हजार
टोटल प्रॉफिट कितना 16,400। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया क्वेश्चन ना करिबा। क्वेश्चन दीजिए, गोटे स्कूल रे किछि पुआ झी अछि, पुआ केते अछि? सर पुआ अछि, पुआकर जो संख्या अछि सर से संख्याटा अछि 5:3। पुआ झी कर माने जदि स्कूल रे पुआ अछि 5टा, तले झी अछि केतना 3टा, किंतु मु जानछि टोटल अछि केतना 640, ता माने मु अनुसार जोटा 8 स्कूल रे केते 640, ता माने गोटे यूनिट इक्वल्स टू 80, ता माने मो पाखरे पुआ केतना अछि 400टा, झी केतना अछि 240टा। कहार किछि डाउट्स? अरे बाबा मो अनुसार स्कूल ले अछंती 5टा पो 3टा जिता माने मो अनुसार 8टा, बट क्वेश्चन ने दीजे 640, ता माने टोटल छुआ के चित्र कर रहा 640। मो भूल ना, क्वेश्चन भूल ना, ता माने किछो ने मल्टीप्लाई हो जे, मल्टीप्लाई यूनिट ता केते यू 8 रे केते मल्टीप्लाई करले 640 सब 80, जदी गोटे यूनिट असे 5 यूनिट 400, 3 यूनिट 240, ता माने 400टा पो 240टा झी अछंती। डन। क्लास रे कोन हला, किछटा बॉयज आसीले एंड किछटा गर्ल्स आसीले। जो गर्ल्स आसे गर्ल्स संख्याटा से कैसे दे दीजिए 30, तो बाबा जी 30टा गर्ल्स एक्स्ट्रा आसीगले, टे पेन चेंज कर दूसरे, तले गर्ल्स अभी कैसे हो गले 270, बॉयज के सर मुझे जाननी, किंतु क्वेश्चन ने कहला पुआ और झील रेशियोटा के 14:9, झील किसीटा पु किसी एड है कि पु एड हो जानी रेशियो के बाबा 14:9। क्लियर? अच्छा 9 रो वैल्यूटा जदि 270 है, तो 14 रो वैल्यूटा केते हो 420, कहने 9 ने केते मल्टीप्लाई करले 270 30, तो 14 रे केते मल्टीप्लाई करबी 30 420। अच्छा भाई 400 थिला, 420 है, तो मैंने एक्स्ट्रा केते ऐड छने 20, दिस इज योर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। हाँ एटा सीएचएसएल आसला, एसएससी सीएचएसएल क्वेश्चन टा भल लगला, तो क्वेश्चन नंबर दीजिए। क्वेश्चन नहीं गोटे क्लास रे 1:2:3 नंबर रा स्टूडेंट्स थे, प्रत्येक क्लास रे 20-20 पिला बढ़िले, माने एठू केतरा पिला बढ़िले 20टा, एठी केतरा पिला बढ़िले 20टा, एठी केतरा पिला बढ़िले 20टा, रेशियो केते हे गला 3:5:7। अच्छा पिला ने मते गोटे कथा कहिलो, जदि गोटे क्लास रे 10टा पिला 15टा पिला 20टा पिला थिले, सबुटे 5-5टा छुआ बढ़िले हला, एठी भी 5टा छुआ, एठी भी 5टा छुआ, एठी भी 5टा छुआ, ता माने जो संख्याटा आसीबो 10 थला 15 20 25, हो कि ना, सबुटे इक्वल बढ़ी, एठी भी 5टा छुआ बढ़ी, एठी भी 5टा छुआ बढ़ी, एठी भी 5टा छुआ बढ़ी, जदि मु मिसेबी केते हो 30, 15, 45, ता माने एठी जो छुआ थे ताटू 15 अधिक थे 60, मिसोनो 15, 25, 40, 20, 60, ता माने सर सबु छुआ गुडा जो बढ़ुचंती ओवरऑल उपरे सेतिकि इंपैक्ट ही पकेबो 15टा, हो कि ना। किंतु सर ए क्वेश्चन उडा बड़ा प्रॉब्लम कोन अछि, एठी हम पके संख्या नै, एठी हम पके रेशियो दे छि, एटीएम पाखे रेशियो दे सर, तेल रेशियो देती, रेशियो रे प्रॉब्लम कौन, आड तो हूँ सब 20, बट प्रॉब्लम हूँ कौन, एक थिला 3 ही गला, 2 थिला 5 ही गला, बाबा 1 रु जो 3 हैला केते बढ़ला, पेन चेंज कर देखो 1 रु जो 3 हैला केते बढ़ला 2, किछ इशू नै, 2 थिला 5 हैला केते बढ़ला 3, 3 थिला 7 हैला केते बढ़ला 4, किंतु जदि ए क्वेश्चन देखिबो 10 थला 15 हला केते बढ़ला 5, 15 थला 20 हला 5, 20 थला 25 हला 5, तो सबुटी 5 बढ़ला, किंतु एटी सबुटी इक्वल बढ़ुनी, प्रॉब्लम हो से या किटी इक्वल बढ़ुनी, तो करिबा कोन इक्वल करिबा, केबे भी इमते क्वेश्चन में फसिल केबे भी, जति एटी सब इक्वल बढ़ी चंदी, किंतु ए रेशियो डा इक्वल होनी, मन रखो कोन करिबो, 3 और 5 रो डिफरेंस केते, 5 और 7 रो डिफरेंस केते, 1 और 2 रो डिफरेंस केते, 2 और 3 रो डिफरेंस केते, जहां एटी डिफरेंस अछि एटी गुणी दियो, जहाँ एटी डिफरेंस अच्छे एटी गुणी दियो, तो रेशियो केते आसो भाई 2:4:6, 3:5:7। क्लियर? बुझीगला? अच्छा 2 थिला 3 थिला 4 थिला 5 थिला 6 थिला 7 थिला केते बढ़ला गोटे यूनिट, तमन जते बले पटे गोटे यूनिट बढ़ुची, एग्जाम रे से कहू छी केतरा स्टूडेंट बढ़ छथि 20टा, गोटे यूनिट जदि 20टा स्टूडेंट, से क्वेश्चन ने पछि छी कि इनिशियली स्कूल ले केते पिला थेले, इनिशियली इनिशियली माने एटा 6, 4, 10, 2, 12, गोटे यूनिट जदि 20 तो 12 यूनिट केते 240, सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बुझी पाला? तुमर गोटे मात्र ही हैरान हबो एठी, आउ नले कोठी इशू नै, तुम आराम से करलो, तो केबे भी एमती देखिलो प्रोपोर्शन मैच करनी, एठी जहां इनटू हबा कथा ऊपर नै इनटू करबो, आउ एठी जहां डिफरेंस अछि एठी इनटू करबो। क्लियर? डन, कंप्लीट, ओवर, जीवा गुगु क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन? अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी आसला रही है, मैंने एमते टाइप रहा, से कहते गोटे बैट्समैन
11 इनिंग्स रे इनिंग्स माने जानछ ना प्रत्येक मैच को गोटे इनिंग्स को आजे गोटे मैच रे दुटा इनिंग्स थाए गोटे बैटिंग इनिंग्स गोटे बॉलिंग इनिंग्स इंडिया थरे बैटिंग करियो थरे बॉलिंग करियो तो तार दुटा इनिंग्स होला तो गोटे बैट्समैन तार 11टा इनिंग्स 11तम इनिंग्स रे केते रन स्कोर कला 77 ता माने 10तम इनिंग्स जाय किछ गोटे रन स्कोर करथला मु जाननी 11तम इनिंग्स रे जो 77 रन स्कोर कला जहा जो ता एवरेज केते बढ़ी गला 3 रन बढ़ी गला ता माने एवरेज जहा थिला 3 रन बढ़ी गला एटा होची नंबर ऑफ इनिंग्स एटा होची एवरेज मते क्वेश्चन पछि व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 11th इनिंग्स तो 11th इनिंग्स पर एवरेज केते माने मु जदी के रो वैल्यू पाई गली के प्लस 3 करले जइबो ए क्वेश्चन तमे जानिनो केते बढ़िला 3 केते बढ़िला 1 आकु आ संगे मल्टीप्लाई कर दियो आकु आ संगे मल्टीप्लाई कर दियो 10 * 3 30 के प्लस 3 * 1 के प्लस 3 11 ए जिनसटा केते बळे घटु छि सर जेते बळे से 77 रन मारु छि के 77 रन स्कोर करु छि तो के प्लस 3 रो वैल्यू केते हबो 77 30 माइनस कर दियो ता वैल्यू केते 47 जदि मते पचार थांदा कि 10th इनिंग्स जे एवरेज केते अछि ताउ तीन कमी जीवो 44 क्लियर बुझियाला जीवा गुगु क्वेश्चन नंबर हां ये क्वेश्चन भी अस्तला दीजे एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड तीन जन लोक अछन के हस्बैंड वाइफ आउ चाइल्ड केते जन नंबर तीन जन 7 वर्ष पूर्वर एवरेज केते थला 42 7 वर्ष पूर्वर ठीक एंड हस्बैंड एंड वाइफ हस्बैंड छोड़ दे वाइफ और चाइल्ड कर बयस आज टू 9 वर्ष पूर्व एवरेज के 36 मत पचार प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड आज को आज बाहर करियार अच्छे ना तो मुझे 7 वर्ष 9 वर्ष करी कौन तो मोर फर्स्ट काम हो प्रेजेंट को आस तो बाबा केत मेम्बर अच्छे तीन टा मेम्बर 7 वर्ष तले जब एवरेज 42 था तो आज एवरेज के सर 7 बढ़ी कहीं समस्त बढ़ो हस्बैंड बढ़ो वाइफ बढ़ो चाइल्ड बढ़ो समस्त वर्ष वर्ष बढ़े तो 42 थी जब 42 रे 7 मिसिक 49 हो क्लियर वाइफ आउ चाइल्ड 9 वर्ष पूर्व 36 थिला तो प्रेजेंट केते हेबे 5 बढ़ जीव मैंने 9 बढ़ जीव 45 क्लियर अच्छा 83 82 कौन पाई ना हस्बैंड 80 अच्छे हस्बैंड 80 नहीं ता मैंने आंखा भीतर जो डिफरेंस आसो से हस्बैंड रहे केते कमिला -4 केते कमिला -1 3 रे -4 45 के 45 -12 -45 हिसाब कले केते होची 57 तो माइनस रिप्रेजेंट कि हस्बैंड नहीं हस्बैंड नहीं बोली तो माइनस है माइनस कौन पे देखुची ताकि तीनटा संख्या थी दुटा संख्या मैंने गोटे संख्या कम मिला तो नेगेटिव सिंबल एम्फासिस ये कौन करुचे ना हस्बैंड पलैसे जदि पलैसे तो हस्बैंड एजटा के 57 बुझीपाल नेगेटिव साइन कौन नेगेटिव साइन मैंने नुह कि एज 57 नेगेटिव करदेव नेगेटिव यह देखुची कि हस्बैंड पलैसे क्लीयर बुझीपाल तमिटा क्वेश्चन आसीपा तो भल क्वेश्चन नोट कर नब क्वेश्चन नंबर 17 द एवरेज ऑफ 42 नंबर 42टा नंबर रा एवरेज दीजिए केते 37 फर्स्ट 26टा नंबर रा एवरेज अच्छे केते 32 लास्ट 17टा नंबर रा एवरेज होचे केते 44 मते क्वेश्चन पछि 26 नंबर केते अच्छा हो चलो गोटे काम करलो 26 रे 17 मिसले 6 12 13 43 तो छोटो ये बड़ो ये एपटू एपटू को ऑब्जर्व करिए तो पिलाने एवरेज 37 रहिया कथा 32 रहुचि केते कमिला -5 37 रहिया कथा 44 रहुचि त माने केते बढुचि +7 गोटे नंबर रे 5 कमुचि तो 26 टा नंबर रे -130 कमुचि गोटे नंबर रे 7 बढुचि 17 टा नंबर रे 17 7 119 आंक डिफरेंस केते 11 त माने तमरो जोटा मेन एवरेज ता देर 11 कमिले 37 रे 11 गले केते 26 दिस इज योर राइट आंसर क्लियर आर मेथड रे भी करि परिबो एक्स नै करि अक्वासांग गुणिबो प्लस अक्वासांग गुणिबो माइनस करियो बहुत लंबा हबो एंती करियो इजीली हिजियो हलो अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सूर्य को किरण ऊपर बढ़ुच से कहू जे बिल्डिंग रो हाइट जेति कि बिल्डिंग रो हाइट जेति कि शैडो रो लेंथ जेति कि त माने ये जहा ये सही है तो पिलाने केते डिग्री रे ये आ ये समान हेबे मन पड़ू 45 डिग्री कहीं 45 डिग्री हेले ही आर लेंथ ही सामान हुए मन अच्छे ना नहीं टैन 45 कर साइन 45 कर जहाँ भी तुम 45 डिग्री नियो तुम मन थी 1 रूट 2 टैन 45 वैल्यू के साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दियो है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 के 45 तो आंसर के 45 डिग्री बुझिपाल लेंथ और शैडो रो लेंथ दुटा जन सामान के बड़े हम जिते सूर्य 45 डिग्री थे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा यहाँ हूँ मिक्सचर एलिगेशन करदेवर कि मतलब लगुन कि तुम हो न सी देखिए दुटा प्राइस देती गोटे 7 टका आउ गोटे 12 टका आर जो मिक्सर दामा हूँ 10 टका अच्छा जी कौ अनुपात में मिक्स कराई 7-10 गले 3 12-10 गले 2 तो रेसियो कितने 2:3 क्लीयर बस ये क्वेश्चन करदे थो कि असुविधा नहीं। लास्ट क्वेश्चन करिए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। अच्छा एथर मुझे पैटर्न टे बदल एस आई सी आई क्वेश्चन न देखे आवरेज रे क्वेश्चन अधिक दे मैंने प्रिफर करमी लास्ट इयर आर आई थी से टाइप ही क्वेश्चन देखिए बिकज मुझे कही लास्ट 3 जाक एक्जाम आर आई फर्माट्रे ही करी है आर आई और एआरआई फर्माट्र एस आई रोश्चि ना लास्ट टाइम तुम्हें देखिए निजे पेपर ना ओके तो क्वेश्चन दीजिए द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी हूँ 235 मैंने ए कतटा कम कर ए दुटा कम बी 3 कम सी 5 कम टोटाल कतटा कम कर 10 कम पिलाने काम केते दिन हेची 6 दिन रहिची तमन टोटल काम केतेटा हेची दिनको होची 10टा काम 6 दिन रे 6टा काम तमन 60टा काम होची सी मते क्वेश्चन पचेची केते दिन रे ए 20% काम करिवो तो पिलाने 60 रो 20% केते 1/5 सी पचेची ए 12टा काम केते दिन करिवो टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी ए रो एफिशिएंसी केते अच्छा सॉरी ए रो एफिशिएंसी होची 2 तो 2/12 कटले केते 6 तो आंसर होबो केते दिन टिकेट ना खाली बुले 20% दे दी अदरवाइज आपको किसी क्वेश्चन ना क्लीयर आशा करुच्छे समस्त एक्जाम्स भलसे देव भलसे पढ़ापढ़ी कर है आर भी फर्म्स बाहर अच्छे अलरेडी आज बाहरी जाइए फायरमैन है सी एस एफ मुझ फर्म टेलीग्राम चैनल भी पठे दीजिए तो देखी नब डिटेल फर्मटा आप्लाई करदेव ओके चलो टेक् केयर ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो आई होप तुम मैंने सब भल थी तो आज आम मॉक टेस्ट 6 रो ओडिया क्वेश्चन रो एनालिसिस करिबा हमर एठी ओडिया क्वेश्चन को थ्रू स्टार्ट हेतला को क्वेश्चन रो ना 21 नंबर क्लियर तो 21 नंबर रो क्वेश्चन जेमते आसी गता सेमते आसी तो केतरा क्वेश्चन आसी टोटल 20टा क्वेश्चन तो आमे जानचो आर आई अमिनो रे केतरा क्वेश्चन आसी ओडिया रो 20टा क्लियर तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन दला ना हे प्रभु ए भयंकर सुख रु मते रक्षा कर उक्त वाक्यटी वाक्य पदवाच्य होगापी कहार अभाव रही शुण वाक्य आम कह जदि किटा शब्द और किटा पद जदि आम मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करें पढ़ी कि बुझे पार्चे देन कहीपर वाक्यपर है तो आपको मुझेपर वाक्यपर कि ना आम केमी जानवा ना तादे तीन टा जिनस दरकार क्लीयर तो से तीन टा जिनस कौन योग्यता आसक्ति आसक्ति आउ आकांक्षा क्लियर ए तीनटा जिनस जदि वाक्यर थी देन मुझे कौन कहीपर वाक्यपर आक्यटा कौन करथव ना आमर मनर भाव को संपूर्ण रूपे कौन कर प्रकाश करथव क्लियर तो मत कह जो देला हे प्रभु ए भयंकर सुखर मत रक्षा कर मत कह तुम्हें कहे प्रभु को डाक तुम्हें कौन डाक प्रभु कौन डाक ना मत दुखर रक्षा कर तो ये कौन दे भयंकर सुखर मत रक्षा कर किसी मीनिंग हो तो जदि आम कि एम जापर कि भूल अच्छी तो एक्चुअली कौन अभावटा जो आम मैंने वाक्यर किसी मीनिंग आसुना तो आदर कौन अभाव अच्छी ना आर योग्यतार अभाव अच्छे क्लीयर कार अभाव अच्छे ना योग्यतार देख योग्यता मान हूँ गोटे वाक्य जो पद गुड़ाक अच्छी परस्पर भितर कौन तार संबंध ताकू कौन कहते योग्यता कहते क्लीयर जमीक मुझे कहली कौन ए भयंकर सुखर मत रक्षा कर आकचुअली कौन हवा कथ ए भयंकर दुखर मत रक्षा कर किंतु ये जो सुख वाटा जो एटी रहा यहाँ कौन कि तार पूर्व पद बा शब्द आर पर पद बा शब्द तरह किसी रिलेसन अच्छे किसी रिलेसन ना तो जेहेतु रिलेसन ना तो आदर कौन अभाव योग्यतार अभाव क्लीयर आरे मुझे कह राम पाणी उड़ूच राम पाणी उड़ूच किसी है मीनिंग है तार किसी बुझीपाले पढ़िकिना तेल आधे भी कौन अभाव ना आधे में योग्यता अभाव तो योग्यता माने हूँ कौन ना योग्यता एमती गोटे प्रकार प्रॉपर्टी जो थे कि वाक्य जो यूज हो पद गुड़ाक संबंध को ही कौन कहते योग्यता कहते क्लीयर मुझे कह गधटी आकाशे पहरुची तेल कौन है कि मीनिंग है मुझे कहि से तार कौन अभाव योग्यतार अभाव क्लीयर चल तेल एब बुझा आकांक्षा कौन ना आकांक्षा हूँ मुझे कहि ना
अरुणव काली कहीं की छाड़ देवी डॉट 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 एम दे देवी अरुणव काली कहीं की छाड़ देवी मत कहल अरुणव काली एटा जत पढ़ु तुमको लगुच कि यहाँ कंप्लीट वर्ड तेल आधे भी किसी अभाव अच्छे आधे कौन अभाव अच्छे ना आकांक्षार अभाव मुझे एमती कही था अरुणव काली घर को फेरबे ताले एपे पढ़ला तुम्हें बुझिपार ताल आकांक्षा एमती गोटे जिनस जो थे कि गोटाए पद आउ गोटे पद उपर निर्भर से नेचर को भी कौन कहे आकांक्षा कह क्लीयर ताल आसक्ति क्या कहवा ना आसक्ति कहवा जदि मुझे आसक्ति कहले मुझे कौन बुझे देख आसक्ति गोटे एमता प्रपर्ट जो थे कि मुझे एमती जो कह कह राम ओ दाम मिसिकी छवि टिकु आंकी मुझे कह राम दाम मिसी कौन छविटा को आंकी तुम बुझिपार कि मुझे एमती कही था छविटी को राम आंकी दाम ओ तुम कि बुझिपार ए वाक्य भितर कौन अच्छे देख ए वाक्य भितर पूरा जो आम ओडिया सेंटेंस रो जो स्ट्रक्चर पूरा अच्छे ओडिया सेंटेंस रो कौन हम ना फास्ट आसो कर्ता तापर आसो कर्म तापर किए आसो क्रिया आम जो कौ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश रे कौन SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आदर कौन आसो ना फास्ट आसो कर्ता तापर आसो कर्म तापर आसो क्रिया माने आसो फास्ट माने सब्जेक्ट तापर आसो ऑब्जेक्ट तापर आसो वर्ब क्लियर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भर तो ये जोटा को पद्धति को कौन कहते आसक्ति कहते मैंने मुझे कह राम और दाम मिसिकी छविटी को आंकी मुझे कहि जी छविटी को राम आंकी दाम मिसिकी एमती जी कह कि तुम बुझिपार बुझिपार ना तो ये वाक्यर कौन ना ये वाक्य आसक्तिर अभाव क्लीअर तो आर आंसर कौन हो आर आंसर हो योग्यता क्लीअर चल नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पॉइंट डाउन पॉइंट आउट कर दियो आगे जीवा चल सेकेंड नंबर कौन देला ना सेकेंड नंबर देला से माने निज परिश्रम चलती वाक्यर गठन दृष्टि क्यों प्रकार सूचक मत कह ए वाक्यटा को पढ़ल देखिया से माने निज परिश्रम चलती से माने होचंती कौन कर्ता निज परिश्रम होची कौन करती चलती चलती एटी कौन गला क्रिया तो देख लतेटा क्रिया अच्छे गोटाए क्रिया अच्छे तो गोटाए क्रिया मैंने कौन गोटाए प्रकार समापिका क्रिया तो गोटाए प्रकार समापिका क्रिया जो वाक्य थाए कौन कह सरल वाक्य कह जोग्य वाक्य आम के कह दीटा जिते वाक्य थे परस्पर मध्य कौन अपेक्षा कर रही थे गोटाए पद आउ गोटे पद उपर डिपेंड थे जब कह जौगिक जटिल वाक्य केमती हम ना जटिल वाक्य से जदि एमतिया तथा एमतिया जदि किसी वार्ड अच्छे तेल कौन हम जटिल हम मिश्र केतब ना गोटाए जटिल गोटाए जौगिक गोटे जटिल गोटे सरल एमती जब मिसी मिसिक थो तेल कौन हम मिश्र हम क्लीअर तो दुई नंबर आंसर कौन हो सरल देख चल तापर दे कौन तुम पिलाटी केड़े दुष्ट देख ये पढ़ाक जो चाहिए एमती पढ़ कमी तुम पिलाटी केड़े दुष्ट देखु ये कौन अच्छे विस्मय सूचित चिन्ह अच्छे तो नो डाउट आर आंसर कौन विस्मय सूचक वाक्य क्लीअर अब आपको अधिक टाइम वेस्ट करा नहीं क्लीअर ताको कौन कह विस्मय सूचक चिन्ह बृत्तिसूचक वाक्य केत ना जितेबाला मुझे किसी पजिट सेन्टेन्स कहे मुझे धर मो पास 10 पेन अच्छे 20 कलम अच्छे तेल कौन हो बृत्तिसूचक प्रश्न सूचक वाक्य केम जानवे मुझे कही लास्ट को कौन रही है प्रश्न सूचित चिन्ह नास्तिसूचक वाक्य लास्ट को ना बाहर सही थो क्लीअर जीवा आग को तार आंसर कौन हो विस्मय सूचक चल तापर देला कौन ना 24 नंबर 24 नंबर देला भगवान मते बंधन रु मुक्त कर बंधन तो बंधन रु कौन तले गार दिखाई आ पचराई कौन ना रेखांकित तो पदटीर कारक स्थिर कर है कर्मकारक अपदान कारक करण कारक ना संप्रदान कारक मत कह कारक विभक्ति केमती जानवा ना फास्ट क्वेश्चन करवा मुझे जी कह भगवान मत रक्षा कर क्या रक्षा कर मत रक्षा कर तो एमती करोश्चिन् कर मत कह कौर मुक्त के मुक्त कर बुझिपार नहीं मुझे के मुक्त आपको जो क्वेश्चन करो के
କେଉଁଠାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାରିଆ କାରକ ହୁଏ ନା ଅପାଦାନ କାରକ ଆଉ ଅପାଦାନ କାରକରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ କ୍ଲିଅର ଅପାଦାନ କାରକରେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ନା ହେବ କର୍ମ ନା ହେବ କରଣ ନା ହେବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କ୍ଲିଅର ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁଠାରୁ ବା ହଁ କେଉଁଠାରୁ ଚାଲ ପଚିଶ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପଚିଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅର୍ଥ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଛଅ ଭାଗ କ୍ଲିଅର ଆମେ ସମାସ ପଢ଼ିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ କ'ଣ ଛଅ ପ୍ରକାର କ୍ଲିଅର ଯିବା ଆଗକୁ ଚାଲ ଛବିଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କାହାର ନା ବାଳୁତର କ୍ଲିଅର ତ ବାଳୁତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଯୁବକ ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଶିଶୁ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ତରୁଣ ଅପସନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ବୃଦ୍ଧ ଦେଖ ବାଳୁତ ମାନେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଶିଶୁ ତ କେବେ ହେଇପାରିବନି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବାଳୁତ ତରୁଣ ତ ହେଇପାରିବନି ଟିକେ ବାଳୁତରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତରୁଣ ତା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଯୁବକ ତ ଏ ତିନିଟା ତ ହେବନି ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୃଦ୍ଧ କ୍ଲିଅର ଦେଖ ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତିଆ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ କ୍ଲିଅର ଚାଲ କ୍ଲିଅର ଦେଖ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ନିତ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନା ଅନିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନିତ୍ୟ ଚାଲ ତାପରେ ନିଦାର ପୋଲା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନିଦାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୋଲା ନିଦାର କେବେ ଫମ୍ପା ମାରିବନି କ'ଣ ହେବ ପୋଲା ଚାଲ ନିୟମର ବେନିୟମ ହେବ ନହେଲେ କ'ଣ ଅନିୟମ ହେବ କ୍ଲିଅର ବେନିୟମ ହେବ ନହେଲେ ଅନିମୀୟ ହେବ କ୍ଲିଅର କାହାର ନିୟମର ଚାଲ ନିଷ୍କାମର ହେବ କ'ଣ ସକାମ କ'ଣ ନିଷ୍କାମର ହେବ ସକାମ ଚାଲ ନିରପେକ୍ଷ ନିରପେକ୍ଷର ହେବ କ'ଣ ସାପେକ୍ଷ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାପେକ୍ଷ କ'ଣ ହେବ ନା ସାପେକ୍ଷ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ହେବ କ'ଣ ପ୍ରଦୋଷ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଦୋଷ ଚାଲ ତାପରେ ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୌଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟର ହେବ ଗୌଣ କ୍ଲିଅର ଚାଲ ତାପରେ ହେବ କ'ଣ ନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ହେଇଯିବ କ'ଣ ପ୍ରଶସ୍ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ହେଇଯିବ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚାଲ ପୁରସ୍କାରର ପୁରସ୍କାରରେ ହେଇଯିବ ତିରସ୍କାର କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତିରସ୍କାର ଚାଲ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରସାରଣର ସଙ୍କୋଚନ ପକ୍ଷପତିତର ହେଇଯିବ ନିରପେକ୍ଷ ନିରପେକ୍ଷତା ଚାଲ ପରିଣାମର ହେଇଯିବ ଅପରିଣାମ ଭୀମର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆସେ ଭୀମର ହେଇଯିବ କ'ଣ କାନ୍ତ ଆଉ ମଠର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିଯିବ କ୍ଲିଅର ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ ସେଇ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ସ୍ମରଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ସ୍ମରଣର କ'ଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ବିସ୍ମରଣ ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଅସ୍ମରଣ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ନସ୍ମରଣ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା କୁସ୍ମରଣ କୁସ୍ମରଣ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିସ୍ମରଣ କ୍ଲିଅର ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିସ୍ମରଣ ନା ନସ୍ମରଣ ଅସ୍ମରଣ ନା କୁସ୍ମରଣ କ୍ଲିଅର ଯିବା ଆଗକୁ ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିସ୍ମରଣ ଚାଲ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି ଏବେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି ହେଲା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଲେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ପଢ଼ିଦେବା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ନା ବସୁଧା ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଅବନି ହେଇପାରିବ କ୍ଲିଅର ସିଂହର ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ସିଂହର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ପଶୁରାଜ ହେଇପାରିବ କେଶରୀ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ମୃଗରାଜ ହେଇପାରିବ କ୍ଲିଅର ଚାଲ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇର କ'ଣ ଖଗ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଥରେ ହେଲା ଖଗ ହେଇପାରିବ ବିହଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ବିହଗ ବି ହେଇପାରିବ କ୍ଲିଅର ତାପରେ ହେଲା ଆକାଶ ଆକାଶର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଗଗନ ହେଇପାରିବ ଅମ୍ବର ହେଇପାରିବ ଅର୍ ନଭ ହେଇପାରିବ କ୍ଲିଅର ଯିବା ଆଗକୁ ତାପରେ ଡଙ୍ଗାର କ'ଣ ନା ନାବ ନୌକା କ୍ଲିଅର ଚାଲ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ହେଇପାରିବ ସବିତା ଦିବାକର ତପନ ଆଉ ବି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ ରବି ବି କହିପାରିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ରବି ଚାଲ ସାଗରର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସମୁଦ୍ର ବାରିଧି କ'ଣ ପାରା ବାର ଚାଲ
आठ नंबर कौन देला ना नदी नदीर कौन हो पार सरित तटनी आउ नई क्लीयर पोखरीर हो पार पुष्करिणी आउ सरसी जीवा पुष्करिणी आउ सरसी दस नंबर को जीवा दस नंबर देखिए साप सापर कौन अहि नले फणी कौन हो पार अहि नले फणी क्लीयर तापर है फूल फूल सब आसर कौन हो पार कुसुम हो पार सुषम हो पार ना पुष्प हो पार क्लीयर तापर है अग्नि अग्निर कौन हो पार अनल हो पार निपर क्लीयर रातिर प्रतिशब्द कौन हम ना निशा हम सर्वरी हम क्लीयर तापर घोड़ार कौन हम ना अश्व हम बाजी हम क्लीयर तापर बिजुली बिजुली कौन कहीपर ना चपला आउ सौदा मिनी पद्मर कौन हो पार पंकज कहींपर ना कौन कमल कहींपर चल आउ कौन रहा गणेश गणेशटा सब इम्पोर्टेंट जिन इम्पोर्टेंट शब्दा ता दूर आसला तो गणेश कौन हो पार गजानन कहींपर ना विनायक कहींपर ना विघ्नेश्वर कहींपर ना लंबोदर कहींपर क्लीयर चल चक्षुर हो पार नयन नेत्र आउ लोचन तो एगुड़ा कौन हो एगुड़ा प्रायतः एग्जाम क्लीयर तो पॉइंट डाउन कर दिए एगुड़ा आगे जावा चल तो ये आमर थ कौन ना विपरीत शब्दर कि आम शिखीगले आ प्रतिशब्दर कि शिखीगले अगे आगे जावा अठाईस नंबर क्वेश्चन अठाईस नंबर क्वेश्चन कौन देला ना पासंगरे न पड़वा रूढ़ीटर अर्थ कौन है मत कह या क्रियाहीन रूढ़ी ना क्रियाजुक्त रूढ़ी यहाँ हूँ कौन क्रियाजुक्त रूढ़ी पड़वा क्लीयर चल तापर ऑप्शन ए रहा कौन भयरे छानिया है ऑप्शन बी रे देला कौन समकक्ष न होगा ऑप्शन सी रे देला निबिड़ बंधुता ऑप्शन डी रे देवा कौन पानी छड़ाइबा आर आंसर कौन हो आंसर हो कौन समकक्ष न होगा पासंग न पड़िया मैंने कौन समकक्ष न होगा क्लीयर चल तापर देला कौन आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करिबा कौन देछि आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करिबा एही अर्थ प्रकाश करथुवा लोकवाणीटी कौन ऑप्शन ए रे देला कौन छोट सपर बड़ विष ऑप्शन बी रे देला कौन ना खंडाधार रे चलिबा ऑप्शन सी रे देला कौन अंटी छुरी तंटी काटे आउ ऑप्शन डी रे देला कौन डेंगा मुंडरे ठेंगा ए ठेंगाटा एठी रहिबा हला क्लीयर आर तेल आर आंसर कौन हो ना आर आंसर हो सी कौन अंटी छुरी तंटी काटे निज अंटार रखिता छुरी जदि तुम निज तंटी काटे तेटा कौन हो आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करते क्लीयर आर आंसर कौन हो आर आंसर हो सी क्लीयर चल जागू चल तीस नंबर कौन देना धनशाड़ी शब्द में प्रत्यय नाम लेख देख ये कन्फ्यूजन हुए शाड़ी हम ना आली हम ना आली हम ना शालीन हम आर आंसर कौन हो ना आर आंसर हो क्लीयर कौन शालीन कौन पचार ना प्रत्यय को प्रत्यय शालीन प्रत्यय क्लीयर चल आगे जावा कौन देखिए ना एक नंबर ना ट्रांसलेट इन टू इंग्लीश मैंने ओडियाटा को ट्रांसलेट कर इंग्लीश कौन देखिए ना आसंता जुलाई मसार भारी वर्षा हे मत कह यहाँ कौ टेन्स अच्छे कौ काल अच्छे भविष्य बुझिपार ना नहीं तो जदि है एटा भी कौन हम फ्यूचर टेन्स रहा तो फास्ट कौन दे देख ल फ्यूचर टेन्स क्या लगे लगे वेर लगे लगे आर लगे लगे आरे भर मेन ये जो आमर यहाँ हूँ हेल्पिंग भर्व हेल्पिंग भर्व के कौन लगे आर वेर वेर हो गले तो पास्ट टेन्स हो क्या हो गले तो क्या हूँ मोडाल आर हो गले कौन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट तो देखिए कौन आसंता जुलाई मसरे एटारे भारी वर्षा हेब तो हेब मानने कौन फ्यूचर टेन्स भाया तो फ्यूचर टेन्स कौन लगे विल लगे तो देयर विल बी हेवी रेन हियर फ्रॉम नेक्स्ट जुलाई आर कौन जुलाई मस ठार आर आंसर कौन हो क्लीयर चल तापर देखिए कौन ना निम्नलिखित मध्य केउटी ठीक देला ऑप्शन ए रे द्वंद द्वंद आउ धनिक द्वंद आउ धनिक भितर दे कौन आमर बाछवापी तो आपको कौन हो आर आंसर बी हो द्वंद धनिक धनिक नरे हो कौन हसेकार आ दोरे भी र दरे क्लीयर तो हो यहाँ होमर आंसर क्लीयर ना एटा ना एटा ना एटा क्लीयर आंसर हो आगे जावा तो कौन देखे ना निम्नलिखित मध्य के ठीक मन रखी था एगुड़ा केत ठीक कर पार जदि आम सबुदिन एबु एबले कोड़े दिन पचिश दिन भाया आम हाथ में टाइम अच्छे तो तुम्हें जब एबु भी बही खाता मानने
ବହି ତମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଦେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତମେ ହେଲା, ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଇଛି, ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତ କେବେ ହେବନି, ଏ ଦୁଇଟା ତ କେବେ ହେବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ଦୀର୍ଘେକାର ନା ଆଦରେ ହସେଇକାର ଲାଗିବ ବିରେ, ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, କ୍ଲିୟର। ଚାଲ ଆଗକୁ 34 ନମ୍ବର, 34 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍, ମୁକ ମୁଖ୍ୟ ନା ଏ ମୁକ ମୁଖ୍ୟ ନା ଏ ମୁକ ମୁଖ୍ୟ ନା ଏ ମୁକ ମୁଖ୍ୟ, ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି ମୁକ ମୁଖ୍ୟ, ମୁରେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘେକାର ଆଉ ମୁଖ୍ୟରେ କ'ଣ ହସେକାର, କ୍ଲିୟର। ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବି, ଯିବା ଆଗକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ 35, 35 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 35 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଚାରିଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧନୁଷ ପାଣି ଦେଇଛି ଧନୁଷ ପାଣି, ତ କ'ଣ ହେବ ଧନୁ ପାଣି ହେବ ନା ଧନୁ ପାଣି ହେବ ନା ଧନୁ ପାଣି ହେବ ନା ଧନୁ ପାଣି ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧନୁ ହୁଁ ପାଣି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ସ ତଳେ ପ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ସ ଆସେ, କ୍ଲିଅର ନା ନାହିଁ, ସ ତଳେ ପ ସ ତଳେ ସ୍ମ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧନୁଷ ପାଣି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, ତ ଏଇଟା କାହିଁ ହେବନି କାରଣ ତ ଏଇଟା ତ ରେପ୍ ଅଛି ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ଉପରେ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବାର ନାହିଁ, ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧନୁ କ'ଣ ଧନୁ ପାଣି, କ୍ଲିଅର। 35 ନମ୍ବର ଯିବାକୁ ଚାଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ୟାସେଜ୍ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଆକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆଦରୁ କେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା 36 ରୁ 40, ଟୋଟାଲ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକୁ ପଢ଼ିନିଅ, ତାପରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଯିବା 36କୁ, 36ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା 36ରେ ଦେଲା କାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ, କାହାର ନା କ'ଣ ଗୟା ସୁରର, କ୍ଲିଅର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ପାଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଚାଲ ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଗୟାସୁର, ଦେଖୁଛ ଆନ୍ସର ଏଇଥିରେ ହିଁ ଅଛି, କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଗୟାସୁରର ଶରୀରକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ନା 3 ଖଣ୍ଡରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚାଲ ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, କ୍ଲିଅର। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ନା ଗୟାସୁରର ନାଭି ଅଂଶଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲା, ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପତିତ ହୋଇଗଲା ଯାଜପୁରରେ, କ୍ଲିଅର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଗକୁ ଯିବା, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୟାସୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ, କ୍ଲିଅର ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡି, କ୍ଲିଅର। ତ ଏତିକିରେ ଆମର 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରପର, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 7ରେ ବି କ'ଣ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ତ ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର GS ପାର୍ଟ 6, GS ଏକ୍ଜାମ୍ 6ର, ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ 6ର GS କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମର କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍, କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି 26 ଜୁଲାଇ, 26 ଜୁଲାଇ, 26 ଜୁଲାଇରେ ତମର କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ, 26 ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ସବୁ ବର୍ଷ 26 ଜୁଲାଇରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41 ବା GS କୋଶ୍ଚିନ୍ 1ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ହଁ, କେଉଁ ଦେଶ ତମର 46th ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ କମିଟି, ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ କମିଟି କେଉଁ ଦେଶ ତମର କ'ଣ କରିଥିଲା, ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ତମର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ କମିଟି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତମର ଇଣ୍ଡିଆ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତମର ଇଣ୍ଡିଆ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତମର ଇଣ୍ଡିଆ, ତମର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତମର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ କମିଟି, ତମର 46th ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ କମିଟି କେଉଁ ଦେଶ ହୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆନ୍ସର୍ ତମର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।
एथिरे इंडिया रा गोटे जगह इंडिया रा गोटे प्लेस तमर दिस 46 सेशन रे इंडिया रा गोटे प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रे एंट्री कराई छी एंटर कराई छी जहार ना हो छी कोन मोइदम्स मोइदम्स MOIDAMS मोइदम्स जोटा के आसाम रो अहम डायनेस्टी को द्वारा बना जाई थिला ब्यूरियल साइट्स उडा को मोइदम्स बोली हमें तांको कहि थाउ तो दिस साइट इज इंक्लूडेड इन दिस सेशन मोइदम्स उडा को हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रे 46th वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी हेतिला सेतर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रे हमें ताको इंक्लूड करिछु को देश होस्ट करथिला आंसर हबो तमरो इंडिया ऑप्शन सी हबो ठीक आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को वृद्ध गंगा को रिवर को कहा जाए वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस वृद्ध गंगा को रिवर को कहा जाए तमरो आंसर होची तमरो गोदावरी गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा बोली कहा जाए था गोदावरी रिवर को तमरो वृद्ध गंगा बोली कहा जाए ओके इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला पॉइंट्स किछि मन रखिबा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला रा सबुठारु लॉन्गेस्ट रिवर होची के गोदावरी ओरिजिन कोटु करूची ओरिजिन करी था त्रिंबक प्लाटियु त्रिंबकेश्वर त्रिंबकेश्वर रा त्रिंबक प्लाटियु पाखरु ओरिजिन करूची महाराष्ट्र त्रिंबक प्लाटियु रु ओरिजिन करी थाए गोदावरी रिवर आउ आर लेंथ होची 1465 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश रे जाय की पडुची समुद्र रे बे ऑफ बंगाल रे ये जाय की तारो ड्रेन करे तारो 1465 किलोमीटर लेंथ रहूची टोटल लेंथ एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला दिस इज द ओरिजिन त्रिंबकेश्वर त्रिंबक प्लाटी रु ओरिजिन करे महाराष्ट्र रो देन महाराष्ट्र रु तेलंगाना तेलंगाना रु आंध्र प्रदेश ओके महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश हे की जाय की समुद्र रे तमरो बे ऑफ बंगाल समुद्र त नहु बे ऑफ बंगाल ले जाय की ड्रेन होउची ओके आकु वृद्ध गंगा रिवर बोली मध्य कहा जाय थाए वृद्ध गंगा रिवर ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वृद्ध गंगा बोली आकु कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को जीवा ओके ने ए ऑप्शन जदि आमे किछि देखि जबा तमरो कृष्णा रिवर जोटा रहौची इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला ओके मने रखिबो कृष्णा रिवर तमरो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला जोटा कि महाबलेश्वर ओरिजिन करी थाए कृष्णा रिवर कावेरी तमरो कावेरी ताल कर्नाटक रो ओरिजिन करूची कावेरी रिवर नर्मदा तुम्हारा अमरकंटक प्लेट्यू रो ओरिजिन करी थाए नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू रो ओरिजिन करे एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला ठीक अच्छे इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला गोटे रिफ्ट वैली रे फ्लो करी थाए नर्मदा बिटवीन विंध्य एंड सातपुरा विंध्य सातपुरा मध्य फ्लो करुचे नर्मदा रिवर एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला ठीक अच्छे तो ये पॉइंट्स आम मन रखा जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन सुदर्शन पट्टनायक को तुमर सैंड अवार्ड मिली गोटे सैंड मास्टर्स अवार्ड तुमको मिली सुदर्शन पट्टनायक यू नो ताको जानी थी तुम्हें सुदर्शन पट्टनायक को सैंड मास्टर अवार्ड मिली तो ये कंपिटिशनटा कौटी हेल्ड होता कौटी कर कंपिटिशनटा आंसर हम रशिया ऑप्शन ए हम एटे ठीक आंसर रशिया होता सैंड मास्टर कंपिटिशन सुदर्शन पट्टनायक को तुम गोल्डेन सैंड मास्टर अवार्ड बोली तुम गोल्डेन सैंड मास्टर अवार्ड तुम मिली क्या सुदर्शन पट्टनायक रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट ऑफ ओडिशा जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड प्यूरीफिकेशन को प्रोसेस द्वारा करा जाए था इजी क्वेश्चन ब्लड प्यूरीफिकेशन हमें डायलिसिस बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस ऑप्शन ए हम एटे ठीक आंसर बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस हमें ब्लड प्यूरीफिकेशन करी था बीसीजी टीका बीसीजी वैक्सीन जोटा रहुची बीसीजी वैक्सीन तुम्हारा कोई डिजीज पे दिया जाए था बीसीजी वैक्सीन तुम्हारा टीबी ओके टीबी पे ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी पे हमर बीसीजी टीका बीसीजी टीका तुम टीबी रोग पाई ट्यूबरक्यूलोसिस जोटा रहुची ओके टीबी पे तुम बीसीजी टीका दिया जाए था टीबी होची गोटे बैक्टीरियल डिजीज हाँ टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज मन रखिबो टीबी होची गोटे तुम कौन बैक्टीरियल डिजीज नॉट अ वायरल डिजीज टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा न्यूटन कर को लॉ एटा क्वेश्चन पड़ी कि पैसेंजर बस रे बसे कि जाउची एंड हटात बसटा तुम अटकी गला तो पैसेंजर ट्रावेल करके जाऊला बस जो रही जाऊँच से आगे कमी झुकी जाऊँच ठीक अच्छे तो यहाँ न्यूटन को लॉ को एक्सप्लेन करें इट एक्सप्लेन्स द न्यूटन्स फास्ट लॉ ठीक अच्छे न्यूटन फास्ट लॉ को एक्सप्लेन करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जोटा कह कि कौन से स्थिर वस्तु से पर्यटन स्थिर थी जो पर्यटन
हाँ तापर फोर्स अप्लाय न करा जाय छी बा कोनोसे गतिशील वस्तु से पर्यंत गति रे थिवो जो पर्यंत ताकू किछि बाह्य शक्ति द्वारा अटका न जाय छी। ठीक अछि, त मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो कांसेप्ट एटा रहू छी न्यूटन कर फर्स्ट लॉ जोटा रहिला। त एई जो क्वेश्चन अछि एटा एई लॉ द्वारा ही एक्सप्लेन होउ छी। सेकंड लॉ थिला तमरा एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एटा होउ छी सेटा होउ छी न्यूटन कर सेकंड लॉ। और थर्ड लॉटा थिला एटा समस्त जानिछन्ती इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जोटा रहउछि, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेटा थिला न्यूटन कर थर्ड लॉ। ओके, तो एठी ऑप्शन ए टा हबो तमरो ठीक आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, स्किन द्वारा को ऑर्गेनिज्म तमरो ब्रीथ करउछि, अर्थवर्म। ऑप्शन बी हबो एटा ठीक आंसर, अर्थवर्म जे रहिला से तमरो स्किन द्वारा ब्रीदिंग करिथाय। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। आशुतोष परिडा को एथरक केन्द्र साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलिथिला। आशुतोष परिडा ओडिया ओडिया पोएट जने ताको केन्द्र साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलिछि। तो क्वेश्चन अछि कि ताकर को लेखा पाई ताको ए अवार्ड मिलिथिला। तो अप्रस्तुत मृत्यु, अप्रस्तुत अप्रस्तुत मृत्यु पाई आशुतोष परिडा को केन्द्र साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलिछि। तो ऑप्शन ए हबो एठारे ठीक आंसर। हाँ, ओडिशा रो कोई जगह रे जोठी मु सबु प्रकार कुंभीर देखिया को पाउछ, लाइक क्रोकोडाइल्स, सॉल्ट वाटर, घड़ियाल, मगर, सबु प्रकार क्रोकोडाइल वैरायटीज, जो क्रोकोडाइल्स मानकर जति भी स्पीसीज अछन्ते समस्त को मु ओडिशा रो कोई जगह रे देखिया को पाए। भितरकनिका रे ही देखिया को पाउछ मु, एंड भितरकनिका को डिस्ट्रिक्ट रे अछि, भितरकनिका अछि तमरा केंद्रापड़ा। तो ऑप्शन सी हबो एठारे ठीक आंसर, ऑप्शन सी हबो एठारे ठीक आंसर। केंद्रापड़ा रे जो भितरकनिका अछि नेशनल पार्क, भितरकनिका इज अ नेशनल पार्क जोटा कि क्रोकोडाइल्स मानकर पाई अछि। अब एठी मु क्रोकोडाइल मानकर ऑल द वैरायटीज, जेतिकी भी वैरायटीज ऑफ क्रोकोडाइल्स अछन्ते समस्त को मु एठी देखिबाकू पाई थाए। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नामा पाई, वर्तमान करंट चीफ जस्टिस की अछन्ते ओडिशा हाईकोर्ट रो, हु इज द करंट चीफ जस्टिस, चक्रधारी शरण सिंह। ओके, ऑप्शन सी हबो एठारे ठीक आंसर, भी के पांड्यान त जमा भी नहंती, ऑप्शन सी हबो एठारे ठीक आंसर, चक्रधारी शरण सिंह, हि इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट। हैला मन रखिबो करंट चीफ जस्टिस किए, चक्रधारी शरण सिंह। आउ एठी मु तुमको क्वेश्चन दउछि, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट, मते कमेंट सेक्शन में आंसर करके जनइबो। ओडिशा हाईकोर्ट रो प्रथम चीफ जस्टिस किए थिले ताको ना कोन, ठीक अछि, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट, मते समस्त आंसर लिखिकि दबो। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी जोटा कि बर्तमान ओडिशार आम संगीत राज्य संगीत हिसाब से आम गान करुचु, तो वंदे उत्कल जननी को किए लिखी थे, कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। ऑप्शन डी हम एठारे ठीक आंसर, कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र वंदे उत्कल जननी तुम लिखी थे, ऑप्शन डी हूँ ठीक आंसर, मन रखा ऑप्शन डी एटा समस्ते जाना। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, बर्तमान जी ऑप्शन तुम देखिए, जितकी ऑप्शन तुम दिखाई क्वेश्चन पड़ी कि आ भितर कौ रिवर तुम विदिन ओडिशा, इनसाइड ओडिशा तुम ओरिजिन होती। ओके, सुवर्णरेखा रिवर जमा भी नुह, सुवर्णरेखा रिवर तुम छोटा नागपुर प्लाटू रु ओरिजिन करें, ईब नदी, ईब नदी भी आउटसाइड ओडिशा तुम जेनेट करा भितर को आसिक सुंदरगढ़ देखिए ओडिशा को एंट्री कैर महानदी आसिक मिसुच्छ, इट इज अ ट्रिब्यूटरी अफ महानदी ईब रिवर। महानदी तो केबे भी नुह, महानदी रिवर तुम दंडकारण्य रीजन सिहावा हिल्स रायपुर निकट में थी सिहावा हिल्स दंडकारण्य पाखु ओरिजिन करुच्ची। ओके, दंडकारण्य भी हो पार, अमरकंटक भी हो पार, डिस्प्यूट रोचे तार। तो ये जो ऑप्शन था ऋषिकुलिया ईस्टर्न घाट रो ओरिजिन करिथाए नियर तुम कंधमाल। ओके, कंधमाल बॉर्डर पाखु ही ओरिजिन करुच्ची, ईस्टर्न घाट्स रो ओरिजिन करे तुम ऋषिकुलिया रिवर जोटा कि गंजाम देखि फ्लो करके जाए, लाइफ लाइन ऑफ गंजाम बोली कहते, तेनालीरु ऑप्शन ए हम ठीक आंसर, ऋषिकुलिया रिवर तुम ओरिजिनेट्स इनसाइड ओडिशा। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, सिल्क सिटी बोली क्या कहुच्छे ओडिशार क्यों सहर को सिल्क सिटी बोली कहुए, ब्रह्मपुर। ऑप्शन बी हम तुम एठार ठीक आंसर, ब्रह्मपुर को आम सिल्क सिटी बोली कहूँ, ऑप्शन बी हम एठार ठीक आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वाइट पगोड़ा यूरोपियंस माने केउ टेम्पल को ह्वाइट पगोड़ा बोली कहिथिले, जगन्नाथ मंदिर को ह्वाइट पगोड़ा बोली कह जाए, ऑप्शन डी हम ठीक आंसर। तो आउ भी दुटा रोचे तुम गोटे हूँ ब्लैक पगोड़ा, आ गोटे रोचे तुम पीस पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा पीस पगोड़ा, आंसर मत कमेंट बॉक्स में लिखिक दबो कि ब्लैक पगोड़ा क्या कहु पीस पगोड़ा तुम
କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି ନେମ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିମାଦ୍ରି ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ହିମାଦ୍ରି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ହିମାଦ୍ରିଟା ଆମର କେଉଁଠି ଲୋକେଟ୍ ଅଛି ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ହିମାଦ୍ରି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ କେଉଁଠି ଏଇଟା ଆର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ତ ଆର୍କଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ତୁମର ଆର୍କଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ହିମାଦ୍ରି ତୁମର ଲୋକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ନଟ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ନୁହଁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ହିମାଦ୍ରି ତୁମର ଅଛି ଆର୍କଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ତିନିଟା ଅଛି ତୁମର ଏକ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବନିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏଇଟା ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ବନିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବେ ଆଉ କାମ କରୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବେ ଆଉ କାମ କରୁନି ଆଜ୍ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତାପରେ ତୁମର ମୈତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ତୁମର ଭାରତୀ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ତୁମର କେଉଁଠି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀ ଭାରତୀ ହିମାଦ୍ରି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ଆର୍କଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଜଣେ ଫେମସ୍ ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚୈତନ୍ୟ ତୁମର ୱାଜ୍ ଅ ସେଣ୍ଟ ଇଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଫେମସ୍ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଫେମସ୍ ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବ ଚୈତନ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେନିସିଲିନ୍ ପେନିସିଲିନ୍କୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ପେନିସିଲିନ୍କୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ ତୁମର ପେନିସିଲିନ୍କୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତୁମର ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କାହାର ସପୋର୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 1918 ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଖେଡ଼ା ତା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପିଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତୁମର ଆସିଥିଲା ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଚାରିଦେବା କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଟା ଥିଲା ତ 1917 ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଇଟା ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଭାରତ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା କେଉଁଟା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜାଗାରେ 1917 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଭାରତର ଦେନ୍ ତୁମର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତୁମର ତାପରେ ଆସିବ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତୁମର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରିଥିଲେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 169 ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କି 169 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 169 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛୁ ମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆବୋଲିସନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କାହାର ରହିବ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ଅଛି 6 ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 6 ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଲାଗି ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ୟୁପି ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ୟୁପି ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦେନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତୁମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ତୁମର ହେଲା ତ ଆମେ 6 ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ୟୁପି ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଇ 6 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ 6 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର GS କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ RIର ମକ୍ 6ର ନିଜର ନିଜର ଆନ୍ସର୍ସ ମିଶାଇଯିବେ ଆଣ୍ଡ କେଉଁଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ରହୁଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆନ୍ସର୍ ନିଜର ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ତ ଆଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେ ଯା ରହି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 6 କା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହେବା जो आपका RI एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है क्लियर RI ARI सभी में ये क्वेश्चन आता ही है और अभी तक हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं तो आज का डिस्कशन को चलिए स्टार्ट करते हैं देखो दोस्त पहला क्वेश्चन दे रखा है ऑड वन आउट का ठीक है तो आपको पता है जिसे थर्मोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं जब भी फीवर वगैरह होता तो मेजर करते हैं ना तो सेम उसी तरीके से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं तो एक है ओडोमीटर ओडोमीटर आपके गाड़ी में लगा होता है जिससे हम लोग स्पीड मेजर करते हैं ये तो नहीं होगा अच्छा
स्केल, स्केल से मेजर जो हम लोग मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या मेजर करते हैं भूकंप अर्थक्वेक, ये भी नहीं जाएगा। बैरोमीटर से हम लोग डेथ नहीं प्रेशर मेजर करते, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट रखा एनीमोमीटर, इसे हम लोग क्या विंड मेजर करते, ये सही है। यहाँ पर देखो विंड होगा, ये जो दे रखा है ये फालतू चीज़ दे रखा है, इसको काट दो, विंड। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, अब देखो एक क्वेश्चन आ गया अपने सामने। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है और वो भी इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन, तो इसको अभी हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पॉइंटिंग द फोटोग्राफ ऑफ अमित, गगन सेड हिज सिस्टर, मतलब किसका सिस्टर, गगन का, सॉरी अमित का सिस्टर, हिज सिस्टर मतलब अमित प्लस है हिज सिस्टर। क्लियर, इतना बोल दिया। हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, मदर का हस्बैंड बोल दिया, चलिए। इज माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर, ठीक है। अब देखो इसको जो हमें सॉल्व करना है, माई डॉटर मतलब कौन, एक गगन का कोई डॉटर होगा, माई डॉटर्स मदर्स, माई डॉटर्स मदर्स, एक मिनट, इसको हम लोग डायरेक्ट सीधा तरीके से सोचेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी हो सकता है, इसको उल्टा सोचिए तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान बन जाएगा। क्या बोला कि माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर, मतलब किसका, ये माई का मतलब कौन होगा, तो गगन होगा, ये सर ना, तो गगन के डॉटर का मदर का फादर, मदर का हस्बैंड का फादर, यहाँ तक पता चल गया। चलिए माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब बोला गया क्या, बोला गया मदर्स हस्बैंड सिस्टर, मदर का हस्बैंड का सिस्टर, मतलब इसका सिस्टर कौन है और इसका भाई कौन है, भाई बोलो तो। यहाँ पर बोला गया है हिज सिस्टर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका अमित। तो हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन, अमित का गगन के साथ क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलेंगे सर ब्रदर का रिलेशन होगा। क्लियर हुआ, फैमिली ट्री बनाना था, फैमिली ट्री यदि हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इज इट क्लियर? चलो एक बेसिक सा डायरेक्शन का क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ए बस ड्राइवर फ्रॉम पॉइंट ए ड्रोव 25 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, चलो इसको और मैं छोटा ही ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जगह भी मिलेगा सॉल्व करने के। चलो देख पा रहे होगा आप लोग, एक बस ड्राइवर जो है ईस्ट की तरफ चला 25 किलोमीटर, है ना। चलो तो हम लोग ईस्ट की तरफ चल लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका होगा 25 किलोमीटर, डन, ओके 25 किलोमीटर चल लिया। अब बोला गया है ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव कितना, तो आप बोलेंगे सर 30 किलोमीटर, तो यहाँ 30 किलोमीटर चल लेते हैं, कुछ ऐसा होगा 30 किलोमीटर, ठीक है। ही देन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 15 किलोमीटर, अब यहाँ से 15 किलोमीटर चला लेफ्ट टर्न लेके, चलो इतना बोल सकते हैं कि सर यही होगा 15 किलोमीटर, है ना। अच्छा, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू पॉइंट बी, अच्छा ये वाला पॉइंट पहले आपका ए दे रखा था, है ना। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लेके कहाँ पर जा रहा है, बी पर, कितना लेफ्ट टर्न लिया, तो बोलेंगे सर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लेगा तो यहीं पर पहुँचेगा, है ना। तो ये जो है आपका पॉइंट, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द पॉइंट बी इज फ्रॉम पॉइंट ए, ए से कितने दूरी पर है और कौन सा डायरेक्शन में। दूरी तो आपको निकले नीचे 25 से ऊपर 15 थी, 10 किलोमीटर होगा, और कौन सा डायरेक्शन में, तो दोस्त ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा ना डायरेक्शन, एन ई एफ डब्ल्यू, डन, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये कोई इजी क्वेश्चन दे रखा है, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ इसको आपको चाइनीज कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। आर यू कमिंग को दे रखा है ग्ला प्ला शॉर्ट, दे आर राइट को दे रखा है क्लास शॉर्ट फॉर्म,
आर दे कमिंग को दे रखा है शॉर्ट प्ला बॉम्ब, व्हाट इज द कोड फॉर राइट, आपको दिख रहा है राइट कहीं यहाँ पर है, तो हमें इसका कोड पूछा जा रहा है, राइट यहाँ पर है ना, ओके इसका कोड, चलो रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दे, इसका कोड हमें चाहिए, मतलब आर और दे को यदि हम सेपरेट कर दें तो हमारे लिए क्वेश्चन बनाना ईजी बन जाएगा, है ना। तो अब देखो आर यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, चलो ये कलर कन्फ्यूज कर सकता है आपको, रेड रेडी क्यों कर रहा है, आर को मैं अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब तीनों जगह पर आर है, अब तीनों जगह पर क्या दिख रहा है आपको कॉमन, तो आप बोलेंगे सर शॉर्ट तीनों जगह पर दिख रहा है, मतलब आर का मतलब क्या होगा शॉर्ट। अब देखो दोस्त यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया दे के लिए, दे दोनों जगह पर दे है, दोनों में कॉमन क्या है दोस्त, तो आप बोलोगे सर पॉम है। तो अब मुझे बताओ यहाँ क्या बचा, राइट, इधर क्या बचा क्ला, तो राइट का कोड क्या हो जाएगा क्ला, ये सर नो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका पजल से रिलेटेड है, वो भी आपका जो है पजल जो दे रखा है फ्लोर बेस्ड पजल दे रखा है, एफ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लाई ऑन एट डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम 1 to 8, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, उसका जो भी था डिटेल्स उसका हमने ये डायग्राम बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझाने के लिए आसानी हो जाए। क्वेश्चन में सिंपल सा बात है, यदि ये डायग्राम आप बना लें क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। क्या बोला गया, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, 5 नंबर फ्लोर पे कौन रहता है, टी, ऑप्शन नंबर डी में, इज इट क्लियर। ये फ्लोर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इज इट क्लियर, ओके। अब देखो दोस्त हाउ मेनी हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट इन अ डे, एक दिन में कितने बार आपका हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। इसको कैसे बनाएं, आप लोग जो क्लॉक पढ़े होंगे मेरे से वो तो बना ही लेते होंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनको थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। देखो एक क्लॉक का आर हैंड हो गया, क्लॉक का मिनट हैंड हो गया, दोनों साथ में, टुगेदर मतलब क्या है, मीट मतलब क्या है, टुगेदर का बात हो रहा है, टुगेदर मतलब होता है 0 degree, और आपको पता है 0 degree एक स्पेशल एंगल होता है, और स्पेशल एंगल जो भी इसका, तो डायरेक्ट मैं आंसर भी क्लास में याद करा हूँ, इनकेस आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टाइम है ना 11 से लेकर 1 तक स्पेशल एंगल यदि कोई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक घंटे में एक ही बार आ सकता है, दो बार नहीं आ सकता है, लेकिन हर घंटे में एक बार आएगा, सिर्फ एक्सेप्शन है 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार आता है, एग्जैक्टली 12 बजे एक बार, और कभी नहीं आता है, ठीक, मतलब 12 घंटे में 11 बार होता है, तो 24 घंटे में कितने बार होगा दोस्त, इन अ डे बोला गया तो 22 बार, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ऐसे डायरेक्टली इसका आंसर याद रखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन है, खाली बड़ा दिखने में लग रहा, बड़ा है नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। देखो सीलॉक्स का क्वेश्चन दे रखा है, ऑल गर्ल्स आर डांसर, पहले ऑल गर्ल्स आर डांसर बना लिया, तो ये वाला यदि डांसर होगा तो ये वाला गर्ल्स होगा, हाँ है ना। दूसरा बोला गया सम डांसर्स आर बॉयज, तो इसके लिए हम लोग ऐसा बना सकते हैं कुछ, सम डांसर आर बॉयज, कट गर्ल्स को कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, आप बोले सर बॉयज गर्ल्स कैसे होगा, रीजनिंग में सब चीज़ नहीं चलता है, ठीक है। नो बॉय इज प्लेयर, अब आगे बात बोल दिया दोस्त कि नो बॉय इज प्लेयर, प्लेयर जो है कोई भी बॉय नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग दूसरा डायग्राम ऐसे भी बना सकते थे, सबको ओवरलैप करा देते, सबको ओवरलैप करा देते और प्लेयर को अलग रख देते, जैसे देखो गर्ल डांसर बॉय, सबको ओवरलैप करा दिया प्लेयर, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पर, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, और ये आपका प्लेयर है। तो अब आपसे पूछा गया है कंडीशन, कंक्लूजन नंबर 1, सम डांसर्स आर गर्ल्स, सम डांसर्स आर गर्ल, यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो, कंक्लूजन नंबर 1 इज राइट। सम प्लेयर्स आर बॉयज, कभी भी प्लेयर बॉयज होगा क्या, कभी नहीं होगा, तो गलत हो गया। दूसरा, तीसरा बोला गया सम डांसर्स आर प्लेयर्स, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो
बॉयज के साथ मना किया, लेकिन डांसर के साथ थोड़ी ना मना किया। ये तो डायग्राम बोल रहा है कि मना है, लेकिन यहाँ मना थोड़ी ना किया गया। ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब क्वेश्चन मार्क रॉन्ग। क्वेश्चन मार्क रॉन्ग को हम लोग डेफिनेट कंक्लूजन में रॉन्ग की तरह ट्रीट करते, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो ऑनली कंक्लूजन वन फॉलो छो, ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो, आपके मन में इस क्वेश्चन में डाउट भी आया होगा, सर क्वेश्चन सही लिखे हैं गलत? श्रीनगर, शिमला, गैंगटॉक कहाँ पर क्या है? तो श्रीनगर, शिमला, गैंगटॉक जहाँ पर जो होना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर चीज़ कभी डिफाइन नहीं करे कौन सा चीज़ कहाँ पर है। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हु विजिटेड एटलीस्ट टू ऑफ द प्लेसेस आउट ऑफ श्रीनगर, शिमला एंड गैंगटॉक? कम से कम दो प्लेस विजिट किया, दो से ज़्यादा करें तो चलेगा ना। कम से कम दो में कौन सा है? दो में ये लोग हैं, 7, 5, 12, 22, 34, और तीन दो से ज़्यादा में 15 है। 34 + 15 = 49, एंड 49 कौन सा ऑप्शन में? आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी को? ओके। अब दोस्त देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑड वन आउट निकालना है। अब देखो, आई जे के, ठीक है, फर्स्ट थ्री कंजिक्यूटिव लेटर दिया, बी सी डी, पी क्यू आर, यू वी डब्ल्यू। उसके बाद क्या हो रहा है, जो लेटर है फर्स्ट थ्री कंजिक्यूटिव के बाद दो टाइम बार रिपीट कर रहा है, उसके बाद वाला दो बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देखो, वो भी दो बार रिपीट कर रहा है, दो बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी दो बार, लेकिन यहाँ पर ई जो है सिंगल टाइम है, एफ जो है थ्री टाइम्स है, तो यही आपका ऑड होगा। क्लियर? अब देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, सिर्फ बच्चा बनाने का कोशिश किया गया आपको बुड़बक, ठीक है। देखिए, एक रो है फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ बोला गया, ठीक है, एंड बोला गया जितेंद्र इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यहाँ पर यदि जितेंद्र को बिठा दें, देखिएगा, तो 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, ठीक है, तो ये जो है 17 नंबर पर है फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना, इधर से। अच्छा, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ज्योत्सना, ये जितेंद्र है ज्योत्सना का सेकेंड राइट में, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ज्योत्सना बैठा हुआ है और बीच में कोई और बैठा हुआ, मतलब ये लेफ्ट साइड से 15 नंबर पर होंगे, हाँ है ना, लेफ्ट साइड से इनका नंबर क्या होगा, 15 होगा, 15th होगा। अच्छा, हु इज 15th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड से भी कितने नंबर पर है, 15th पे है। देखिए, राइट साइड से भी ये कितने नंबर पर है, तो आप बोलेंगे सर 15th पे। तो आपसे पूछा गया टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आपको पता है सेम एलिमेंट का यदि लेफ्ट से पोजिशन पता हो, राइट से पता हो, जैसे यहाँ पर ज्योति का पता है, लेफ्ट से ज्योत्सना का पता है, लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है, टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, क्योंकि ज्योत्सना दो बार काउंट हो रही है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? अब देखो, इसमें हमारे टाइप करने वाले ने दो चीज छोड़ दिया, तो हम यहां पर आपके सामने ऐड करते हैं, क्या क्या, इनटू एंड प्लस। By interchanging given two signs, which of the two following equation will be correct? Plus को into के साथ बदल दो, into को plus के साथ बदल दो, तो कौन सा आपका correct होगा? Clear? अब देखो दोस्त, यहाँ पर plus को into के साथ बदलेंगे, कभी भी 17 तो नहीं आएगा, क्यों? यहाँ पर मान लो plus होगा, बाकी हर जगह तो into ही होगा ना, कहाँ 11 × 11 = 129 इंटू 13, कभी 17 के बराबर होगा क्या? ये तो आंसर नहीं होगा। जहाँ भी इंटू दिखे वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ प्लस दिखे वहाँ इंटू लिखेंगे। क्लियर? अब देखो दोस्त, 9, 4, 36 एंड यहाँ पर हो गया 33, कभी भी 37 के बराबर तो नहीं होगा, बीच में प्लस है, ये भी नहीं होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे, इधर इंटू लिख देंगे, ठीक, तो 55 हो गया, यहाँ पर 55 प्लस में है और इधर 13, 13 + 55 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 68 हो गया, -12 करेंगे सर तो कितना होगा,
56, यहाँ क्या दे रखा 46, ये भी नहीं है, तो 100% श्योर है कि ये होगा ही होगा। अब चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पर आप पहले प्लस लिखेंगे, यहाँ पर इनटू लिखेंगे, हाँ है ना। सबसे पहले आप करेंगे डिवीजन का काम, बॉड मास आपको पता ही है, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्त, तो आप बोलेंगे सर 6 / 3 हो जाएगा, 6 / 18 हो जाएगा आपका 1/3, 11/3 प्लस, अच्छा और यहाँ पर क्या है 11/3, तो इसका वैल्यू हो गया, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए, देखो यहाँ पर आपका 11 बन गया प्लस यहाँ पर 1/3 इंटू 54, कैंसिल आउट हो जाएगा 18 प्लस 11 29 होता ही। ऐसे ये चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं था, आप ऐसे भी बता सकते थे, फिर भी मैं आपको बता दिया, क्लियर। देखो यहाँ पर आपका 2 से ज़्यादा डाइस दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है दोस्त कि मुझे बताइए एक्सक्लामेशन साइन का अपोजिट क्या होगा, ये पूछा गया। तो 2 से जब भी ज़्यादा डाइस दिया हो तो आप क्या करेंगे, कम से कम ऐसा 2 डाइस ढूंढेंगे जहाँ पर ओनली 1 फेस कॉमन हो। तो ऐसा 2 डाइस कौन सा है दोस्त, तो आप बोलेंगे डाइस नंबर 1, ये डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3। तो इसमें डाइस 1 और 3 में जो है एक ही कॉमन फेस है और वो है आपका एट द रेट, देख पा रहे हैं आप लोग, हाँ है ना, एट द रेट यहाँ पर कॉमन है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे एट द रेट कॉमन है, ठीक। तो एट द रेट को हम लोग पकड़ के उठा लेंगे और डाइस 1 में क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, पहले मिलेगा एक्सक्लेमेशन फिर मिलेगा हैशटैग, डाइस 3 में चलेंगे तो क्या मिलेगा परसेंटेज एंड, बचा क्या, बचा रह गया डॉलर, तो डॉलर इधर आ गया। एक्सक्लामेशन का अपोजिट पूछा गया क्या हो, परसेंटेज, ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ गया। अब देखो दोस्त ये एक बेसिक हिसाब से पूछा गया है, क्या जानते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है और इसको आपको सॉल्व करना है। चलो देखो अब यहाँ पर बोला कि ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड साउथ, तब सबसे पहले हम लोग फेसिंग टुवर्ड साउथ बनाने के बाद में पहले लिख लेते हैं कंडीशन क्या क्या। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में थर्ड नंबर पर ए है, क्लियर है। सी इज फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो, सी जो है फोर्थ है फ्रॉम वन एंड, यहाँ तक बात समझ में आ गया। बी हु इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं बी है लेकिन बिटवीन है, ठीक, इमीडिएट में आपका बिटवीन नहीं बोला गया। डी इज एट द लेफ्ट एंड, डी जो है आपका लेफ्ट एंड में है, उसके साथ साथ एक कंडीशन छूट गया यहाँ पर बी वाले में, चार नंबर में। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर बी है। अब इसका हमें बनाना है डायग्राम, ठीक है। चलिए 6 लोग हैं यहाँ पर फेसिंग साउथ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसिंग साउथ सबको बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक देखो जल्दी से, अब देखो दोस्त फेसिंग साउथ होगा तो देखना ध्यान से, ये आपका लेफ्ट साइड होगा कि नहीं और ये आपका राइट साइड होगा कि नहीं, फेसिंग साउथ, बोलेंगे हाँ सर। अब बोला गया लेफ्ट एंड में कौन बैठा गया, डी, यहाँ पर डी होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोल सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बोला गया सी जो है किसी एक फोर्थ एंड में, मुझे पता नहीं किधर से फोर्थ एंड में, सी आपका इधर भी हो सकता है, इधर से आएगा तो सी यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता किधर होगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें पता चल चुका है। अब बोला गया दोस्त कि ई के राइट में चार नंबर, तीन नंबर पर ए रहेगा, अब ई कहाँ बैठेगा, ई किधर, कहीं इधर ही आएगा तभी तो चार तीन नंबर में आएगा। देखो ई यदि हम यहाँ बिठा दें तो आपका ए यहाँ पर आएगा, एक और डायग्राम बनेगा सर, हाँ है ना, क्योंकि डी यहाँ फिक्स था, ठीक है। यदि हमने ई को यहाँ पर बना लिया तो ए यहाँ पर होगा,
बोले नहीं सर हम तो ई को यहाँ पर बनाएंगे, तो ए यहाँ पर होगा। हाँ या ना, ये दो डायग्राम बन सकता है, ई के राइट में चार नंबर पर आ गया। चलिए अब बोला गया दोस्त सी जो है फोर्थ नंबर पर है, तो इस केस में फोर्थ नंबर पर आने का मतलब है सी को यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं इसको रेड से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर सी को आना पड़ेगा। हाँ या ना, या फिर यहाँ भी आ सकता, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस केस में एक ही जगह फोर्थ पोजिशन खाली रहता है, वो रहता है यहाँ पर। क्लियर? अच्छा अब बोला गया दोस्त टी के लेफ्ट में तीन नंबर पर बी है। अब देखो टी को यदि यहाँ बिठाएंगे तो बी यहाँ पर बन सकता है, अब देखो टी को यदि यहाँ पर बिठाएंगे तो एक दो तीन बी यहाँ पर बन सकता है। हाँ या ना, बोलो दोस्त। अब दोस्त देखो यहाँ पर भी ए और डी के बीच में बी आ रहा है और यहाँ पर भी ए और डी के बीच में बी आ रहा है, तो काम चलेगा अपना, तो यहाँ पर सी कोई भी डायग्राम बन सकता है, दोनों ही डायग्राम अभी तक में सही है, दोनों डायग्राम सही था, हम किसी भी डायग्राम को ले सकते हैं। अब क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सी इज बिटवीन टी एंड ई, सी इज बिटवीन टी एंड ई, यहाँ पर सही है सी इज बिटवीन टी एंड ई, यहाँ पर देखो टी एंड ई यहाँ पर भी हो जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकेंड नंबर पर, यहाँ पर सही हो रहा है। फिर बोला जा रहा है इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी का इमीडिएट राइट में, ये तो गलत है, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, गलत है ये भी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो सी इज बिटवीन टी एंड ई एंड सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकेंड नंबर पर, सी इस डायग्राम में सेटिस्फाई कर रहा है ये बात, और सी इज बिटवीन टी एंड ई कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक ही बात सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ या ना, पहला कंडीशन देख लेते हैं, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में थर्ड नंबर पर ए है, हाँ है, सी इज फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो, सी इज फ्रॉम फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो है, वेरी गुड। अब बोला यार बी इज हु इज बिटवीन ए एंड डी, हु इज बिटवीन ए एंड डी, ठीक है, बिटवीन यहां पर नहीं हो पा रहा है, यहां पर देखो डी के ज्यादा पास हो जा रहा है, बिटवीन यहां पर नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है क्या आप देखिए तो जल्दी से, नहीं हो पा रहा है, यहां पर आपका हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्त क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सी इज फोर्थ फ्रॉम वन एंड तो हो गया, लेकिन बी हु इज बिटवीन ए एंड डी, यहाँ पर देखो डी के ज़्यादा पास हो जा रहा है, बिटवीन इन्हें नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो एग्जैक्टली बिटवीन में आ रहा है, तो ये कंडीशन की वजह से ये डायग्राम अपना हो जाएगा गलत, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, डायग्राम नंबर वन के साथ, डायग्राम नंबर वन के साथ जाएं तो ये कंडीशन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी देखो नहीं हो पा रहा है, तो सी इज बिटवीन टी एंड डी, टी और ई के बीच में सी है कि नहीं, बिल्कुल है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था क्वेश्चन, क्लियर? चलो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो वर्ड अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन दे रखा, टॉपोलॉजी टॉपर टॉलरेंस टुगेदर टुमारो, अब यहां पर क्या आपका होगा, लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप देखो तो टी वो सब में कॉमन है, तो जी पहले आता तो पहले चार नंबर आएगा, ये काट दो। अब देखो फिर L, P, M में पहले क्या आता है, L आता है, तो फिर तीन नंबर आएगा, चार के बाद तीन, इतना में ही क्वेश्चन आपका बन गया, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर? अब दोस्त देखो ध्यान से, इतना इजी क्वेश्चन आपको देखे नहीं होंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है इसका मिरर इमेज पूछो, तो C, हाँ या ना, हो गया, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे चले, देखो अब बोला जा रहा दोस्त ये डब्लू कहाँ बनेगा, आप सिंपली देख रहे हो यहाँ पर डब्लू बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट बोला जा रहा है दोस्त यहाँ पर एक कट दिया गया सर्कल, यहाँ पर कट दिया गया, फिर इसको खोलेंगे तो नीचे भी आएगा और इसको उधर खोलेंगे उधर भी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्लियर?
अब देखो दोस्त, ये जो क्वेश्चन दे दिया गया आपके सामने, इसमें क्या होगा, ये कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, पिक्चर नंबर 1 और 3 आपको पता है सिमिलर चलता है, 2 और 4 सिमिलर चलेगा, हाँ या ना। 1 और 3 को देखिए जल्दी से, रिवर्स चल रहा है, चल रहा है या नहीं, 1 और 3 रिवर्स चल रहा है, तो आपका रिवर्स चलना चाहिए किसमें, 2 और 4 में, 4 में आपका रिवर्स चलेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। डी, इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पर देखिए सर ने टाइपिंग में एरर, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, क्लियर? ए बी सी डी। अब बोला यार 2025 के जैसा कैलेंडर सेम कौन देगा, तो इसका क्वेश्चन का बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, जो भी ईयर दे रखा है, ईयर को आप लोग कितने से डिवाइड करेंगे बोलिए तो, 4 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 या 3 आएगा, फिर रिमाइंडर 0 आएगा। 1 यदि आया तो उसमें +6 ऐड कर दो बन जाएगा, 2, 3 आएगा तो +11 ऐड कर दो, एंड 0 आएगा तो आप लोग +28 ऐड कर देना बन जाएगा। मतलब क्या, 0 मतलब आपका लीप ईयर यदि रहे तो, क्लियर? तो ईयर कितना दे रखा है दोस्त, 2025, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 1 आएगा, तो 6 साल जोड़ देंगे इवन ईयर में, 2025 में 6 जोड़ेंगे कितना है, 2031, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है अपने पास, 25, 5, 120, ये तो इजी है। देखो 25 × 5 कितना होता है, 125, -5 = 120, 23 × 7 कितना हो गया, 161 −7 = 154, तो 13 × ? -? विल बी इक्वल टू 156, क्लियर? आपको बनाने का दो तरीका, 13 ? -? मतलब 12 ? कर दो इक्वल टू 156, तो यहाँ से काटोगे 12 × 12, 12 × 36 ? का वैल्यू आ गया 13, एक तो ये रह गया, या फिर डायरेक्टली आप इसमें ऑप्शन पुट कर दो, 13 × 13 - 13, जैसे आप बनाना चाहें, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर? विद दिस योर डिस्कशन इज ओवर, आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएस, पिलामने आपण मन केमती अछंती, मा आशा करछि बहुत बढ़िया तबे समस्ते प्रिपरेशन पूरा तंदुरुस्त चलथबो, कारण परीक्षा मुंडो उपरे, एंड दिस टाइम वी हैव टू क्रैक इट, गेट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बाय हुक और क्रूक, लेट्स प्लेज दैट विल गेट इट, दैट शुड बी योर मोटो। सो एज यूजुअल जेमते आपण मन देखि परछंती, सेट नंबर 6 लास्ट सेट मे बी, तो आज क्लास रो तो चलंतु आरंभ करिबा डिस्कशन, किसी क्वेश्चन नंबर आपण आगे रे, स्क्रीन रे सब फटाफट फटाफट देखु कौन करार अच्छे आमको मुझे इंस्ट्रक्शन लिखाई, तो ये जो वर्ड रो मीनिंग जो थी प्रत्येक ऑप्शन रो फर्स्ट रे एवं यहीटा थी सेकेंड रे, माने को ऑप्शन रे आभारिस रो मीनिंग अच्छी एवं फलिंग्स रो मीनिंग अच्छी, तो पूर्व देखी दिंतु का आभारिस रो मीनिंग कौन, आभारिस रो मीनिंग हूँ पे ग्रीड लोभ हैला, आवारिशियस हूँ एडजेक्टिव तार अर्थ जहाँ, ग्रीडी अर्थ हूँ से, तो आवारिश इज वन ऑफ आवर मोर डिस्गस्टिंग ह्यूमन फीलिंग्स, ए जो फीलिंग्सटा यहाँ पे पे नाउन, तो आर अर्थ हूँ शॉर्टकमिंग्स बा तुम कहींपर निजर दुर्बलता है जोटा कि माइनस पॉइंट, क्लीयर? तेणु देखी दि ग्रीड, ए देख ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, ग्रीड वीकनेस, बाकी वेल्थ इमोशन तार मीनिंग अलग, रिचेस अर्थ जहाँ, ग्रीड अर्थ मे बी नाई भूल से रिचेस अर्थ हूँ पैसा पत्र, ग्रीड अर्थ हूँ लोभ, बोथ आर डिफरेंट है, तेणु ये प्लेंटी जोड़ा लिखाई, एगेन प्लेंटी मन कर आम रखा, बट ये तुम कौन देख ल स्ट्रेंथ दे, स्ट्रेंथ रीनिंग हूँ अलग, तेणु काटि दिं, प्लेंटी भी कटिज कहीं, कारण प्लेंटी इज वन ऑफ आवर मोर डिस्गस्टिंग तार मीनिंग ही किसी ना। चलतु नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट कंडेम हर ऑन प्योर सपोजिशन, माने मीनिंग हूँ कौन कहल पहले सेन्देश गोटे लोक को केवल माने अनुमान करी अनुमान उपरे बा गेस वर्क उपरे कौन करी डिपेंड करी
जस्ट आम गेस करेंगे न भी करें तो से भाया केस्रे आम कौन करवा कथा नुह भर्सना करवा कथ नुह क्रिटिसाइज करवा कथ नुहे बुझिपाले जदि आपने बुझे ये आम जो वार्ड को मैंने फास्ट्रे चूज करवा तार अर्थ हो कौन भर्सना करवा क्रिटिसाइज करवा सेकेंड्र मिनिंग कौन आजम्पशन तो जदि ये बुझे तो मन रख यहाँ हम तुम आंसर करेक्ट आंसर सी है कंडेम्र अर्थ जहाँ आटाक्र अर्थ से सपोजिशन अर्थ जहाँ तुम आजम्पशन अर्थ हो बाकी डिनाउंस अर्थ जहाँ कंडेम्र अर्थ से बट सपोजिशन अर्थ जहाँ प्रूफ्र अर्थ से नुह इनफैक्ट प्रूफ जो न था सपोजिशन कहू है तेणु यहाँ कटिगला अप्सन नंबर डी रेटा हो पार बट यहाँ हेनी आडोर अर्थ हो जन कौन कर प्रशंसा करवा तो ये अप्सन नंबर ए रे सेनसीयर होविडेन्स हो पार ना तेणु एगुड़ाक कटिगला आम पाखे रहा गोटे अप्सन चलो फाइंड आउट दि सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सिनोनिम आमको देखार अच्छी प्लमेट प्लमेटा है पे भर्ब प्लमेट्र अर्थ हो कौन जिनस जो द्रुत गति में स्पीडली तलू खसे तो तार अर्थ जहाँ क्राश्र अर्थ होया बाकी अप्सनस गुड़ी आपे चेक करदे मैंने वार्ड अच्छी भल भल वार्ड मिनिंग निजे चेक कर मन रखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते जावा प्रोफ्लिक एसिड तो प्रोफ्लिक एसिड पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन पे आमको कौन करार अच्छी आंटोनिम बाहर करार अच्छी तो प्रोफ्लिक एसिड हूँ गोटे बहुत खराब मानने कौन क्वालिटी जनकर कहींपर आप जितेबले कि सी है कौन कै पैसा को पा भाया नष्ट कै बुझेगा जी रेकलेसली तुम्हें मानने मन इच्छा पैसा खर्च कै है तेनाली आम कहूँ प्रोफ्लिगेट तो से क्वाटी को कहुए प्रोफ्लिक एसिड तार अर्थ जहाँ बुझेल एक्सट्रा भागानस अर्थ होया बट आम कौन दरकार आंटोनिम तो आंटोनिम जो दरकार आंसर कौन हम फ्रुगालिटी तो फ्रुगालिटी हूँ गोटे क्वालिटी जो थे कि गोटे लोक जदि जनक भितर फ्रुगालिटी अच्छे मैंने से जी पैसा खर्च करवा कथा ताकि कम करुच्ची से मैंने भितर जो प्रोफ्लिक एसिड अच्छी जी पैसा खर्च करवा कथा ताकि बहुत अधिक पैसा खर्च करुच्ची तो करेक्ट आंसर आपगले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जी ए सिक्स माइल रेस देख ए सेन्टेन्स सब्जेक्ट हूँ तुम रेस जोटा कि सिंगुलर तो सेट लगे ये कौन बस तुम सिंगुलर वर्ब बस आउ ये देखी दिंतु हार्ड है हार्डटा तुम आब्जेक्टिव अच्छी तो टास्क देखिए नाउन तुम नाउन फ्रेज बस तो आम कौन तेल कह सिक्स माइल रेसटा हूँ गोटे हार्ड टास्क बहुत कठिन काम कौन करवाई जो बस बी वर्ब बस इज बस है ए सिक्स माइल रेस इज हार्ड टास्क नेक्स्ट माय फादर गेव मी ए 500 डैश नोट देख पे नोट है तुम नाउन ये जोड़ा बस कौन आब्जेक्टिव बस तो बर्तमान मन रख ये आब्जेक्टिव नुह या तुम नाउनटा बसला केवल गोटे है 500 रुपी नोट के आब्जेक्टिव ए सी एस लगे मन रख आब्जेक्टिव जो नाउन पूर्व बस थोड़े ए सी एस लगे ना ओके नेक्स्ट व्हाई डिड ही नॉट एग्री टू माय प्रपोजाल पैसिव करार अच्छे भलसे मन रख पे ये तुम डीड सहित एग्री देची ओके तेणु आम कौन करवा पैसिव जो करवा सब्जेक्ट किए ही तो सेन्टेन्सटा कौन अच्छी इंट्रोगेटिव्रे अच्छी समस्ते मन रखु जदि इंट्रोगेटिव अच्छी पैसिव्रे ओके आई एम सॉरी जदि तुम आक्टिविटा अच्छी इंट्रोगेटिव्रे पैसिव इंट्रोगेटिव्रे हला एका स्ट्रक्चर रहिबो किछि चेंज हेबनी खाली तुम स्ट्रक्चर वर्ब रो फॉर्मटा चेंज कर देबो ओके व्हाई डिड ही नॉट एग्री टू माय प्रपोजल तो जो एग्री टूटा बसन कि पिले एग्री टूटा तुम ये फ्रेजाल वर्ब भाव यूज हो मन रख जितेबले भी आम आंसर करवा एग्री पर टू थी दरकार आर थर्ड फॉर्म कौन हो एग्रीड टू यहाँ गोटे जिनस मन रख तो तार ऑब्जेक्ट किए माय प्रपोजल माय प्रपोजालटा ये ऑब्जेक्ट अच्छी आम कौन करवा सेंटेंस रे सब्जेक्ट करवा सेटा को हला तो ये देख प्रपोजालटा है थर्ड पर्सन सिंगुलर से लगे वाज सहित भवर थर्ड फॉर्म लगे देखि दि व्हाई वाज नॉट माय प्रपोजल एग्रीड एग्रीड पर बाय देची एटा काट बी रे व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्री ओके एग्रीड टू बाय हिम एब्सोल्युटली ठीक अच्छे देख प्रपोजल है तुम सब्जेक्ट मुझे कहती इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज हो पैसिव्रे तो पूर्व कौन बसला वाज बस हेल्पिंग वर्ब कारण प्रपोजल सिंगुलर ओके तापरे तुम नॉट लगेगा कारण ये नॉट लगी एग्रीड टू बस बाय हिम तो हिमटा आम कौन कले तो जो हिटा आसिकी तुम ऑब्जेक्ट होगा कर बायर बाय हिम होगा तेणु करेक्ट आंसर यहाँ हिं हम तुम देख ऑप्शन नंबर सी कहीं हेनी कारण प्रपोजल पर तुम वाज बस इंट्रोगेटिव जो अच्छी आक्टिव सेंटेन्स पैसिव्रे इंट्रोगेटिव हाँ दरकार यहाँ काटिद
डी रे कौन देती व्हाई इज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू यू हेनी कारण से ही देती तो ही ऑब्जेक्ट कौन हिम चलो क्विकली फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड समस्त भले कि मन रखिले ए सेंटेन्सटा सिंपल पास्ट अच्छी तो ये यहाँ सब्जेक्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ तुम मेन वर्ब आर ऑब्जेक्ट है टोटाली क्लॉजटा बुझल ए टोटाली क्लॉजटा तुम है कौन ऑब्जेक्ट है तेनाली कौन करवा से टोटाली क्लॉजटा को सब्जेक्ट करके लिखा आउ सेंटेन्सटा सिंपल पास्ट कौथे रोक पैसिव्रे रो तो बर्तमान देखिदि ऑब्जेक्टा पलैस सब्जेक्ट देख व्हाट आई सेड व्हाट आई सेड व्हाट आई सेड सरी ये तुम देख पे ये व्हाट आई सेड पूर्व आम कौन दरकार हेल्पिंग वर्ब दरकार कारण यहाँ ऑब्जेक्ट जो आम सब्जेक्ट करवा तो सब्जेक्ट पूर्व तो आम मैंने पास्ट टेंस सिंपल पास्ट तुम हेल्पिंग वर्ब लगे ना जोटा कि व्वाज लगे दरकार तो व्वाज कौ जगार अच्छी देख लो जगार ना तो ये देख व्हाट आई सेड पर इज देती इज तो कटिज कारण आम सिंपल पास्ट पैसिव दरकार ऑप्शन नंबर बी रे इज व्हाट आई सेड अगेन इज अच्छी कटिगला ये इज अच्छी काटिद एबे केवल गोटे ऑप्शन रही ऑप्शन नंबर डी से तुम ठीक अच्छे व्वाज व्हाट आई सेड अंडरस्टुड बाय यू जोटा मुँह कहली तुमको बुझा पड़ा कि आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट डिड यू मीट डैश मैन दैट आई टोल्ड यू अबाउट देख मैन है तुम नाउन ये आम कौन दरकार आर्टिकल दरकार डिटरमिनर दरकार तो ये डिटरमिनरटा तुम्हें कौन लगे ए लगे ना द लगे आन तो बस पारे कारण मैन रे एमटा तुम कौन कनसोनेंट साउंड दौर आइदर ए लगे कि द लगे बर्तमान देखिद ये जो दैट क्लजटा कौन कर डेस्क्राइब कर मैन को जो मैन को डेस्क्राइब कर दैट क्लज तेज बै डिफल्ट से मैनटा कौन होगा स्पेसीफिक होगा फ्रम द कंटेक्सट जदि कंटेक्सट टू स्पेसीफिक होगा आमर ये कौन लगे पे डेफिनेट आर्टिकल द लगे भल कि मन रखु बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन वी यूजुआली स्पेंड आवर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स हैला ये जो लिखी ना कि माउंटेन्स देख ये माउंटेन्स अर्थ हो गछलता सबुजिमा भरा है बुझल से जगार तेणु ये गोटे पर्टिकुलर जगह कथा कहु जो जगार आम कौन करूँ आम हॉलीडेज को स्पेंड करने को प्रिफर करूँ लाइक करूँ तेणु आम कौन लगे ये द लगेद द माउंटेन्स नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट आ भितर कौटा करेक्ट अच्छे सिंपल लॉजिक देखिवार अच्छे देख ये He doesn't like, he doesn't like, he doesn't likes अच्छे देख है जदि तुम प्रेजेन्ट सिंपल गोटे सेन्टेन्स नेगेटिव अच्छी मन रखा लगे सिंपल प्रेजेन्ट थी नेगेटिव थी तो नेगेटिव पूर्व रोज हेल्पिंग वर्ब पर रोक वर्ब्र बेस्ट फर्म ये देख ए सी एस फर्म देती यहाँ काटिद हि पाखे सब डज बसे तो डू अच्छी यहाँ काट तपर ए आउ बी रहा हि डजेंट लाइक कमिटेड इन रिलेसनशिप ये देख ये लाइक पर लाइक है तुम ट्रांजिटिव वर्ब पर आम कौन दरकार ऑब्जेक्ट दरकार ऑब्जेक्टा सब नाउन होता है जो कमिटेड देखा तुम एडजेक्टिव अच्छी तो यहाँ को भी काट रहा कौटा ऑप्शन नंबर बी हि डजेंट लाइक कमिटमेंट इन रिलेसनशिप तो गोटे लोक को मानने कमिटमेंट भल लगे रिलेसनशिप दैट इज द मिनिंग अफ द सेन्टेन्स चलो 92 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट आ भितर कौटा करेक्ट मुस्तुद केवल गोटे जिन मन रखिए लेट्स जिते थी आ पाखे जो क्वेश्चन टैग बस हम कौन शाल वी देख वोंट वी अच्छी विल वी अच्छी शुड वी अच्छी तो काटिद तो सेंटेन्सटा तुम करेक्ट आंसर हम कौटा ए नेक्स्ट क्वेश्चन इट रेन्ड डैश द डे है दिन सारा वर्षा है ओके तो जब भलसे देख पे ये तुम सब्जेक्ट एकटा प्रेडिकेट ये जो रेन्ड अच्छे तुम भवर सेकेंड फर्म तो ये कौन कह चाहिए मानने दिन सारा वर्षा है तो कौन कर थ्रु आउट इट रेन्ड थ्रु आउट द डे नेक्स्ट हाविंग ए डग इज डैश हाविंग ए चाइल्ड है गोटे कुकुर को रखाटा ठीक एका भाया गोटे मानने छुआ को रखला भाया बुझल तो आउ थे कहीदे गोटे छुआ को रखा जा गोटे कुकुर को रखा से मैंने गोटे छुआ पिछा जी पैसा खर्च करके अटेनसन दरकार जी केयर दरकार गोटे कुकुर पिछा डेफिनेटली से सब जिन दरकार तेणु बर्तमान आमर ये कौन दरकार प्रिपोजिशन दरकार जोटा कि तुम दही कौटा लाइक नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कनसेप्ट पलैसा देखी दिंतु रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट अच्छी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल अच्छी तो आम कौन करवा पास्ट सिंपल देखा कौटी तुम लिखाई
है सेकेंड क्लजटा पास सिंपल थोड़ा देख प्रेजेन्ट सिंपल अच्छी काटि प्रेजेन्ट सिंपल अच्छी काटि तो ये हि वांटेड अच्छी ये भी हि वांटेड अच्छी टू भिजिट अच्छी ए गुड प्लेस वन ऑफ दोज डेज ए गुड प्लेस वन ऑफ दीज डेज दे तो जो दीजटा तुम ये अच्छी तो सीटा कौन हम दोज हम जदि दोज हो आंसर कौटा हो पे ऑप्शन नंबर बी हो आंसर ओके नेक्स्ट 18 रीमा सेड टू मी कैन यू गिव मी दैट मिरर तो सिंपल लॉजिक देख एटा तुम कौन अच्छी रिपोर्टिंग मोर पास्ट अच्छी तो ये टू पर अपडेट देने एक्चुअली रीमा जी से किसी कहूनी एक्चुअली कौन कर पचारूँ पचारेकोसी मानने मी मत पचार तो एक पार्ट देख भल कि क्यान यू गिव मी दैट मिरर ये क्वेश्चन मार्क रहा कथा भूल रही तो यहीटा को आम जो मैंने चेंज करवा है क्यान टा खाली कूड हम ये आरंभ हम आम जो दुटा क्लज को आइदर वेदर कि इफ्रे कनेक्ट करवा बुझेगा देख वेदर किंवा इफ्रे कौटी अच्छी सेटा फास्ट तो बिल्कुल तुम वेदर किंवा इफ ना यहाँ काट बी कौन दे रिमा आस्ट मी इफ आई क्यान है तो ये क्यान दे तो क्यान टा कूड हवा कथा तो यहाँ काट सी रे कौन रिमा आस्ट मी इफ आई कुड गिव हर दैट मिरर अब्सोल्युटली ठीक अच्छे यहाँ यहाँ तुम आंसर हम डी कौन दे कहीं हेनी रिमा आस्ट मी इफ आई गेव है ये गेव अच्छी यहाँ भूल है तुम ये मोडाल दरकार काटि दि चलो कौन दे पे द एम्प्लयर आस्योर्ड द एजिटेटिंग एम्प्लयिज दैट हि वुड डैश इन टू देयर डिमांड्स एजिटेटिंग एम्प्लयिज्र अर्थ होती जो एम्प्लय मैंने कौन कर प्रोटेस्ट कर रागिक अच्छा एजिटेसन करद्रोह कर तो से डिमांड को सी कौन करेंगे है मैंने देखिए भितर को जाकि देखिए ठीक ठाक अच्छी ना नहीं डिमांड को टी कनसीडर करेंगे जदि लगे हाँ ठीक ठाक अच्छी तेल सी मे भी डिमांड को रखिपारती तो यहीटा जो मिनिंग दब से है किए लुक इन टू फ्रेजाल वर्ड बुझेगा आई शाल लुक इन टू योर नोटबुक फर एक्जाम्पल ता अर्थ कौन मुझ नोटबुकटा देखी ठीक ना भूल अच्छे से कौन कहबी तापर तो चलो पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वंडरफुल क्वेश्चन फेजाल वर्ग पर बहुत इजी क्वेश्चन आपस्ते जानते दे क्या कथ कह सिक ओल्ड मैन कथ कह सब पे आंसर तुम आशा कर ठीक हेब है तो ये एस्टर्डे है तुम पास्ट टाइम तो ये जोटा बस कौन बस भव बस देख सब जगह जगार भव ही बस बट ये भव पर गोटे गोटे प्रिपोजिशन भाया जो वार्ड देखा समस्ते मन रखु से आम कौ फ्रेजाल भव रईट तो सेंटेंस मीनिंग रे से ही सिक ओल्ड मैन जनक से ही बुढ़ा लोक जी सिक थे असुस्थ थे तो सी कौन कले गत कालीर देहांत होगा से मृत्युवरण कले बुझिपाले तेणु जो फ्रेजाल भर को आम चूज करवा तार अर्थ हो कौन मरीजा मृत्युवरण करवा आ समस्ते जानते यहाँ बहुत इजी तो सीटा है पास्ट आवे ओके सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग ऊपर दे बहुत ही खास क्वेश्चन इंडिस्पेंसेबल इंडिस्पेंसेबल रो सिनोनिम होची अनअवॉइडेबल कंपलसरी मस्ट जो जिनस को आम अवॉइड कर पारानी से कौन इंडिस्पेंसेबल जोटा को आम डिस्पेंस कर पारानी आ तार सिनोनिम तार स्पेलिंग होची आई एन डी आई एस तो ये एस ना यहाँ काटि दिखा देख आई एन डी आई एस अच्छी पी एन एस ए बी एल आब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ एस ए बी एल रही एस आई दे तो जदिओ एटी एस ए दे बट ये तुम इंडिस्पेंसेबल ना डी आई पर एस ना तेणु कटला यहाँ कटला यहाँ रहा तुम केवल ऑप्शन नंबर डी आम बी को अलरेडी काटिदे ओके चलो लास्ट क्वेश्चन को फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो आ भितर करेक्ट स्पेलिंग कार अच्छी तो मन रखु समस्ते सर्भेलांस ओवी इ आई ओवी इ जो ना काटि दिंतु ये भी पर ए दे तो ये भी पर अच्छी ये अच्छी ये अच्छी बट ये जगह तुम देख डबल एल परिवर्ते खाली सिंगल एल दे तेणु ये दुटा जाक कटिगला ओके पल आस एस यू आर वी आई डबल एल एन सी बट ये तुम वी आउ डबल एल मझीरे तुम आई ना तेणु काटि दिंतु यहीटा को ऑप्शन नंबर बी है आपंकर करेक्ट आंसर ओके पिले तुम आशा कर समस्त क्लास भल लगे डेफिनेटली समस्ते निजर मतामत लिखिक देते क्लास केमती लगेगा कमेंट बॉक्स रे वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट थैंक यू ऑल